अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि सर ने वालेकुम बताया अस्सलाम। कि यूनानी के कंसेप्ट हम बात करेंगे। एक्चुअल ऐसा है कि हमारे यहाँ कॉलेज में जब बच्चे न्यू कमर आते हैं तो इन लोग का ऐसा रहता कि ये आधे बच्चे, तो आधे क्या, करीब करीब सब बच्चे इसलिए आते हैं कि इनको नीट में मार्क्स कम मिले हैं और इनका एडमिशन जो है वो मॉडर्न में नहीं हो पाया है, तो फिर आयुर्वेद में इसलिए नहीं जाते हैं कि जो क्या बोलेंगे उसको, संस्कृत, संस्कृत इनके पास नहीं होता है इसलिए ये आयुर्वेद में नहीं जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये लोग जो, तो ये जो बच्चे जिसको हम बोलेंगे बैकडोर से इन्होंने एंट्री किए हैं हमारे सिस्टम के अंदर, यूनानी सिस्टम के अंदर, तो इनको मैं ये बताना चाह रही हूँ कि तुम बहुत सही जगह पे आ गए है। आपने यूनानी सिस्टम में एडमिशन लेके कोई गलती नहीं की है, या फिर किस्मत ने आपको ये रास्ता दिखाया है। कुछ चीज होती है बाय चॉइस होती है, कुछ चीज होती है जो बाय चांस होती है। तो स्लाइड शो दिखाई दे रहा है? यस मैम। ओके, तो ये जो हम आज यहाँ पर हेडिंग मैंने दिया है, यूनिकनेस ऑफ यूनानी सिस्टम कंपेयरिंग विद अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो इस लेक्चर को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, क्योंकि ये मैं लेक्चर बनाते बनाते करीब करीब 72 स्लाइड्स जो है इसके अंदर बन गए हैं। तो हम देखते हैं ये लेक्चर हमारा आज एक घंटे में कितना होगा, फिर हम नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू करेंगे। तो हमने कंपेयर किया है पहले आयुष के साथ, आयुष में जो 5 सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसके साथ कंपेयर किया है, फिर हमने कंपेयर किया उसको एलोपैथी के साथ, फिर इसमें जो थेरेपीज है यानी हम 14 थेरेपीज, हमारे इलाज भी तदबीर में पढ़ाई जाती है, तो इस थेरेपीज को दुनिया में किस तरीके से मॉडिफाई करके, सेम थेरेपी सेम बेसिक, हमारा जो कंसेप्ट है यूनानी का एक 5-6 हजार साल पुराना है। उस वक्त हमारा एक गोल्डन एरा चलता था जहां पर पूरे दुनिया पे यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने राज किया हुआ है, तो हर चीज का इतिहास, हर सिस्टम का, हर थेरी का, हर चीज का इतिहास जो है इस यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन से किस तरीके से जुड़ा हुआ है, ये थोड़ा सा मैं बताना चाह रही हूँ। क्योंकि जैसा कि अजमल सर बोलते हैं आपको कि हिस्ट्री दोहराई जाती है, हमारा फ्यूचर हमारे हिस्ट्री से, यानी जिसको अपना पास्ट टेंस बहुत खूबी से याद है वही ड्रीम द मोस्ट या डू द मोस्ट अपने फ्यूचर की तरफ ले जाता है। तो मैं लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि हम एक गोल्डन एरा से है, हमारे पास जो खजाना है उसको पहले आप देखिए, फिर वो खजाने से एक एक चीज निकाल के आप क्या करोगे, उसको इस्तेमाल करोगे। जैसे थेरेपीज में हम लोग देखेंगे कि आग पानी हवा मिट्टी, यानी या संस्कृत वाले बोलेंगे पंच महाभूत, इसमें उन्होंने आकाश भी ऐड किया हुआ है। तो इस सब सिस्टम से हमारी ह्यूमन बॉडी बनी है, और जब हमारी ह्यूमन बॉडी का जो मिजाज है, हम जैसे बोलते हैं कि पर्सन आग से बना है, पर्सन सफरा भी है, तो इसका इलाज हम पानी से करेंगे, ठंडक से करेंगे, बलगम है, मतलब कुछ लोगों को हमको हरकत देना है, मुहर्रिक इलाज करना है, और कुछ लोग हैं जिनको हमको ठंडा करना है, यानी मुसक्किन इलाज देना है। तो यही सिस्टम अगर नेचुरोपैथी वाले देखेंगे तो आप देखेंगे ये नेचुरल थिंग्स के हाथ पानी हवा मिट्टी इससे इलाज करते हैं, तो वो कैसा करते हैं वो भी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी। फिर हमारे आयुर्वेद वाले साथी है, वो वात पित्त कफ 3 चीजों पे लेके बैठे हैं, वो किस तरीके से इलाज करते हैं वो भी हम थोड़ा सा जानेंगे। यानी हम 4 सिस्टम पे हैं, हमसे छोटे जो है 3 सिस्टम लेने वाले, हमसे छोटे नहीं बोलना चाहिए, तादाद में उनके सिस्टम छोटे ये बोलना चाहिए हमसे, मतलब हर सिस्टम का अपना एक यूनिकनेस है, हर सिस्टम की अपनी एक पहचान है, और इस पहचान को गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है, इसलिए आयुष सिस्टम मेडिसिन बनी है। ऐसे ही कोई सिस्टम नहीं है, हर सिस्टम की अपनी जो पहचान है, और उसके साथ मैंने यूनानी को कंपेयर करने की कोशिश की है। सिर्फ मकसद ये है कि हमारे बच्चे जो यूनानी में आए हैं, जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में, उनको ऐसा लग रहा कि हम गलत जगह आ गए हैं, आपको किस्मत ने यहाँ भेजा है, आपसे कुछ चाहती है करना, आपसे कुछ होना है, ऐसी किसी चीज का वजूद नहीं होता है। हर चीज की मसलियत जो है हमको कई सालों बाद मालूम पड़ती है, तो आपकी जो एक हिडन टैलेंट है वो टैलेंट को आप एक्सप्लोर कीजिए, इसलिए मैंने ये इस टाइप का लेक्चर बनाया हुआ है। तो आप इस लेक्चर को एंजॉय कीजिए। इस लेक्चर का जो सेकंड पार्ट है, इसमें मैंने करीब करीब 30-35 थेरेपीज जो वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल होती है उसको बताया हुआ है। जैसे
मिट्टी से रिलेटेड है तो मड थेरेपी चलती है, पानी से रिलेटेड हाइड्रोथेरेपी चलती है, सन से रिलेटेड, उजाले से रिलेटेड क्रोमोथेरेपी, सन थेरेपी, ये सारे डार्क थेरेपी, हार्ट लाइट थेरेपी, सारे थेरेपीज का इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगी। इंट्रोडक्शन से क्या होगा कि जब आप डायग्नोज करेंगे, पहले तो आपको पर्सन को डायग्नोज करना है कि इस पर्सन को मुहर्रिक करना है या मुसक्किक करना है, उस हिसाब से आप मेडिसिन भी देंगे। हमारे जो है इलाज भी तदबीर है, इलाज भी गीजा है और फार्माकोलॉजी है, तो हम इस तरीके से, और इलाज भी जो सर्जरी वाला पार्ट है वो मैं पीछे रखूंगी क्योंकि सर्जरी वाला हमारा एक एमएस का कोर्स चलता है, तो वो एमएस के कोर्स में एक अलग 3-4 साल पढ़ाते हैं, तो वो हम ऐसे इतने छोटे इसमें कंसाइज नहीं कर सकते। तो बाकी 3 चीजें जो है उनको हम किस पेशेंट के लिए कैसा इस्तेमाल करेंगे, हमारी पैथी जो है कस्टमाइज्ड है। कस्टमाइज जैसा डॉक्टर गजाला ने आपको बताया कि हर पर्सन की एक अपनी पहचान है, एक अपना मिजाज है, आपको उस पर्सन का वो मिजाज पहचानना है जो कि आप डेली डॉक्टर ये हकीम बोलना चाहिए अजमल सर के लेक्चर सुन रहे हैं, तो वो आपको इस कंसेप्ट पे लाके छोड़ रहे हैं कि हर पर्सन का मिजाज फाइंड आउट करो। जब आपको पर्सन का मिजाज मालूम पड़ेगा तब आपको ये थेरेपीज उसको उस मिजाज के हिसाब से अप्लाई करना है। जैसा अगर किसी को ठंडा करना है उसको, तो आप क्या करेंगे, पानी मिट्टी की थेरेपी यूज करेंगे। उसको मुहर्रिक करना है, हरकत देना है, तो आप फायर या सन की थेरेपी यूज करेंगे। अगर आप इलाज भी गीजा की तरफ जाएंगे तो आपको लंघन थेरेपी एक यूज करते हैं, उपवास थेरेपी यूज करते हैं, डाइट थेरेपी यूज करते हैं, इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन, उसके कस्टमाइज चीजें जो है पर्सन टू पर्सन चेंज होती है। तो आपको एक डाइट चार्ट बना के दिया जाता है कि आपको ये चीज खानी है, ये चीज नहीं खानी है, तो इस टाइप का हम धीरे 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 इसके अंदर इलाज जो है उसके तरफ चले जाएंगे। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आपको बेसिक ये मालूम होना चाहिए कि हमारे पास कितने सिस्टम है। हम लोगों को सिर्फ एक मॉडर्न सिस्टम को फॉलो करने का एक क्या बोलते हैं फैंटेसी होती है, लोगों को अट्रैक्शन होता है। आपको यह आयुष के 5 सिस्टम जब मैं बताऊंगी तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इन सिस्टम की भी स्टडी करें हैं और इनको भी अपने इसमें अगर कोई चीज के अंदर, जैसा क्षार सूत्र आप देखेंगे तो ये एक कस्टमाइज उनकी थेरेपी है। अगर आप एनल जितने भी प्रॉब्लम है, एनल फिशर है और या फिर एनल साइनस हुआ है, पेरी एनल एप्सिस हुआ है या पाइल्स है, इसमें जितना इफेक्ट ये दवा का है उतना इफेक्ट और कोई मेडिसिन का या और कोई सिस्टम का नहीं है। तो हर सिस्टम का अपना एक यूनिकनेस है, हर नो वन इज परफेक्ट, हर सिस्टम में कुछ ना कुछ लैक्यूना है। उस लैक्यूना को कवर करने के लिए हम दूसरे सिस्टम से, दूसरे थेरेपी से मदद लेंगे और एक हम कस्टमाइज पेशेंट के हिसाब से एक क्या बोलेंगे उसूल बनाएंगे या ट्रीटमेंट का एक खाका बनाएंगे और उस ट्रीटमेंट को फॉलो करेंगे। इसलिए मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया है और हेडिंग यूनिकनेस देना यूनानी का देने का मतलब यह है कि मेरी सिस्टम यूनानी है, आई एम प्राउड ऑफ माई सिस्टम, और इस सिस्टम में बाकी सिस्टम से बेहतर क्या है। इसका मतलब मेरा ये नहीं है कि बाकी सिस्टम मेरे सिस्टम से कमजोर है, मैं सिर्फ मेरे सिस्टम को हाईलाइट कर रही हूँ एक लिस्ट में से, जैसा हम बुक में से कोई लाइन को हाईलाइट करते हैं, तो उस हाईलाइटर के जैसा मैं अपने सिस्टम को हाईलाइट कर रही हूँ। तो इसको आप देखें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आयुष का आपको लॉन्ग फॉर्म बताया है कि ए फॉर आयुर्वेद, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा एंड सोवा रिग्पा और एच फॉर होम्योपैथी। तो इसमें यह हो जाता है कि हमारी जो आजकल लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, लोगों के जितने भी डिसऑर्डर हो गए हैं ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो गए। हमारी जो लाइफस्टाइल है वो लाइफस्टाइल सबने अपने अडेप्ट कर लिया है, जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसको। जैसा हम बोलते हैं कि पहले पुराने जमाने के लोग मगरिब बाद कुछ नहीं करते थे क्योंकि लाइट ही नहीं होती थी। अब हम लोग को लगता है कि मगरिब बाद से सुबह 7 बजे तक का जो 12 घंटे का टाइम है उसको भी यूटिलाइज करना चाहिए। हमने लाइट्स को इस्तेमाल किया, हमने अलग अलग प्रोडक्शन को अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल में बांट के उस पीरियड को भी अपनाना शुरू किया। लेकिन रात सोने के लिए बनी है, दिन जागने के लिए बना है, या फिर जैसा कि आपको मालूम है कि प्रहर बने हुए, पहला प्रहर, दूसरा प्रहर, हर प्रहर का अपना एक पर्सन के हिसाब से उसको अटैचमेंट होता है। जैसा सुबह 9 बजे से 3 बजे तक का जो है वो सफरावी पीरियड होता है, तो उसमें हमने कॉलेज टाइमिंग रखे हैं, स्कूल्स टाइमिंग रखेंगे या फिर आगे पीछे करके ऑफिस टाइम रखेंगे, तो उस वक्त जो है माहौल में या पूरे इसमें आपका आसपास जो एरिया है उसमें क्या है, एक सफरा की तादाद ज्यादा होती है, जिसके वजह से पर्सन का एक हरकत में रहता है पर्सन, उसको डल फीलिंग नहीं आता है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि रात में
9 बजे से सुबह 3 बजे तक का जो टाइमिंग है वो आपका बलगम का टाइमिंग है। इसमें क्या किया है, माहौल जो है, एटमॉस्फेयर जो है, ये क्या होता है, शटडाउन की तरफ चला जाता है। तो आपका बॉडी भी उसके हिसाब से शटडाउन होनी चाहिए, तो ये आपके नेचर के हिसाब से। तो हमने क्या किया है कि अपने कामकाज के हिसाब से, अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से हमने क्या कर दिया, किस टाइमिंग को चेंज कर दिया है, उस वजह से हमारी बॉडी फिट नहीं होती है मौसम के हिसाब से, एटमॉस्फेयर के हिसाब से, उस एटमॉस्फेयर के या मौसम के मिजाज के हिसाब से। तो हमारे अंदर कुछ कुछ चेंजेस, मतलब उसको अडॉप्ट करने के लिए, जैसा कि हम देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है जिंदा रहने के लिए अपने आप को माहौल से अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, उसी तरीके से ह्यूमन बीइंग भी क्या कर रहे हैं, अभी इस माहौल को, इस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए हमारे बॉडी को क्या करने की कोशिश करते हैं, अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह से उसके बॉडी के अंदर वेरियस चेंजेस आते हैं, जैसा वहां का मिजाज ऐसा है, पर्सन का मिजाज ऐसा है, इस दोनों मिजाज को कोरिलेट करने के लिए हमारी तबीयत चाहती है कोई गोल्डन मीन निकले, तो उस हिसाब से उसके अंदर चेंजेस आते हैं, जिसको हम बोलेंगे लाइफस्टाइल चेंजेस या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। आप जितने डायबिटीज के पेशेंट देखेंगे तो 90% डायबिटीज के पेशेंट जो है टाइप 2 डायबिटीज में मुबतला है, और ये जो है हमारे जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से कैसे है। फॉर एग्जांपल, एक लेडी है वो घर में काम कर रही है, तो चलो एक चक्के देखे कैसा बना है, वो चक्के देखे कैसा बना है, वो चक्के। अब जो लास्ट संडे लेक्चर हुआ था तो सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया कि इस छोटे छोटे इंटेक की वजह से आपके बॉडी में इंसुलिन का सर्ज बढ़ जाता है, और ये इंसुलिन एक वक्त आता है कि उसमें पर्सन क्या करता है, उसको इंसुलिन का यूज नहीं कर पाता है प्रॉपर। तो इस तरीके से जो चीज है ये आजकल लाइफस्टाइल ये जो है हमारी ऐसे डिजीज की वजह से चढ़ते जा रही है। तो हमारा सिस्टम क्या करता है, एक प्रिवेंटिव मेजर आपको बताता है कि ये सारी चीजों में हमने अपने मिजाज के हिसाब से क्या प्रिवेंट करना चाहिए, फिर उसका मैनेजमेंट। अगर एक पर्सन है जो उसके अंदर टोटली मुबतला हुआ है, अब उसको आपको रिवर्स लाना है, रिजुनुएट करना है उसके मिजाज के हिसाब से, उसको माहौल के अंदर वो क्या करेंगे, अपने आप को अडॉप्ट करेंगे। तो हमारे सिस्टम के अंदर ये क्वेश्चन के आंसर है, इसलिए हम उसको स्टडी करेंगे। No single healthcare system can provide satisfactory answer to all health needs of the modern society. Modern society के जितने भी health के issue है, तो आप कोई एक single system को लेके उसका इलाज नहीं कर सकते, लेकिन आपने अगर मल्टी सिस्टम या पॉलीपैथी का इस्तेमाल किए तो इस सिस्टम को या इस चीज को क्या कर सकते हैं, हम बहुत बखूबी उसको अंजाम दे सकते हैं। इसलिए हम सारे पैथीज का और बाकी सारे जो पैरेलल थेरेपीज चल रहे हैं फॉर न्यू इंक्लूसिव एंड इंटीग्रेटेड। तो हमको डॉक्टर मारिया अपना फोन बंद कर लो प्लीज, डॉक्टर मारिया खराब कर ले रहा, और कुछ नहीं, दूसरों का कुछ भी नहीं बिगड़ा, थोड़ी देर दूसरे को करते खत्म। क्या हुआ, कुछ बीच में कुछ कोई बोलना चाह रहा है क्या? नहीं नहीं, वो मारिया जी का मोबाइल ऑन था, माइक। थैंक यू। ओके, कंटिन्यू करें। यस मैम, यस, नो प्रॉब्लम। तो हम लोग ये सिस्टम में ये देख रहे थे कि एक सेपरेट डिपार्टमेंट इंडियन या इंडिजियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, पहले इसका एक डिपार्टमेंट हुआ था ISMNH नाम से हुआ था, जो 1995 में उसको इंश्योर करके उसको सिस्टम का नाम बदल के हम लोग उसको आयुष में बदल दिए हैं। तो आयुष में क्या हो जाता है कि जो सिस्टम ऑफ आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इनको हम क्या कर दिए हैं, एक साथ मर्ज करके एक आयुष नाम दिया है, और डिपार्टमेंट आयुष के नाम से मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है इनके सारे सिस्टम को प्रमोट करती है, और इनके सारे जो कॉलेजेस है उस कॉलेजेस को इनके थ्रू मान्यता मिलती है। तो इनके इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि दो सिस्टम ऑफ मेडिसिन विच आर वाइडली यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इन वेरी नेचुरल वे इन होल वर्ल्ड अदर देन एलोपैथी इज नोन एज अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन ऑफ हेल्थ केयर। तो ये अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन के एक हम हिस्से है। तो ये हमारा ओरिजिन आप देखेंगे तो हमारा ओरिजिन जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का ओरिजिन है, एक ग्रीस से आया हुआ है, मिस्र यूनान से आया हुआ है। सेकंड सिस्टम जो है होम्योपैथी की, वो जर्मनी से आई है, यानी इस सिस्टम का ओरिजिन जर्मनी में है। ओरिजिन के बाद ये सिस्टम धीरे 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 वर्ल्ड वाइड फेमस होते गया है।
तो ये जर्मनी से है, और जो आयुर्वेदा योगा एंड नेचुरोपैथी वाली सिस्टम जो है, हमारे जो साधु संत पुराने आर्यन सिविलाइजेशन जो था, ये दुनिया का ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में आता है, ये सिविलाइजेशन जो है 6,000 साल पहले यहाँ पे नोट किया गया इंडिया में, तो उस सिविलाइजेशन के थ्रू जो कुछ आया है वो आयुर्वेदा सिद्धा योगा नेचुरोपैथी जो है वो उस सिस्टम से आया है। तो ये जो इंट्रोडक्शन है आपका अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, इसके सिनोनिमस यानी इसको और क्या क्या बोला जाता है, 1995 तक इसको इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी बोला जाता था, या फिर इसको अलाइड साइंसेस भी बोलते हैं, ट्रेडिशनल हेल्थ केयर भी बोलेंगे, इंडिजियस इसलिए बोलेंगे कि बहुत सारे सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है इनको मॉडर्न वाले बताते हैं कि आपके पास कोई सोर्स साइंटिफिक बेस नहीं है या आपके पास कोई रिसर्च पेपर नहीं है, इसलिए वो सिस्टम जो है लुप्त होने जा रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे इंडिजियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, अल्टरनेटिव भी बोलेंगे, और क्या मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन, मेरे हिसाब से सब में सही नाम मुझे ये लगता है कि कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम ऑफ मेडिसिन। आप जैसा जैसा इस स्लाइड शो को आगे देखते जाएंगे तो आपको भी ऐसा शायद हो सकता है मेरे जैसा लगना लगेगा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। तो इस सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हम लोग देखेंगे इंडिया में क्या क्या यूज होता है, जो आयुर्वेदा है योगा नेचुरोपैथी, क्योंकि ये खुद इंडिया के अपने सिस्टम है तो इनका जो यूज है वो इंडिया में सब में ज्यादा है। फिर यूनानी सिद्धा होम्योपैथी, होम्योपैथी यहाँ पर वैरायटी ऑफ स्टेज में यानी 26 स्टेजेस है, उसमें यूपी में ये होम्योपैथी को ज्यादा पब्लिक एक्सेप्टेंस है, और आप जैसे जैसे साउथ में जाएंगे तो सिद्धा योगा नेचुरोपैथी इसको ज्यादा एक्सेप्टेंस है। तो ये दोनों की जगह जो है अगर स्टेट वाइज देखेंगे आप तो ये चेंज होते रहता है। फिर सुजोक थेरेपी है, अरोमा थेरेपी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कायरोप्रैक्टिक, रेकी, ऐसे अलग 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 35 थेरेपीज जो है मैं आपको इस लेक्चर में इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ। तो हमको मेन देखना है कि हमारा सिस्टम क्यों पीछे है, हमारे सिस्टम को ये अल्टरनेटिव सिस्टम में क्यों डाला गया है। तो ये सिस्टम नेसेसरी लर्निंग यानी मॉडर्न मेडिसिन का है वो अपडेटेड नहीं है, यानी हमारे सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो फार्माकोथेरेपी मॉडर्न की दी गई है वो हमारे सिस्टम में हमने ऐड कर दिया, सिलेबस में डाल दिया, वो सिलेबस डे टू डे अपडेट नहीं होता है। जैसा अभी हमारे पास एक बीमारी आ गई कोरोना, जिसका सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं था, हमको ये नया फेस आया, तो बाकी सारे सिस्टम जो मॉडर्न थेरेपीज है इन्होंने वैरायटी ऑफ चीजें क्या है उसको ट्राई कर दी। अब वो बहुत ट्रायल एरर में बहुत सारे लोगों की मौत हो गई, बहुत सारे सिस्टम जो है वो अपने अपने काम पे लग गए। तो हमने भी यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कुछ काढ़े बना दिए जिससे पर्सन की इम्यूनिटी बढ़ गई, जैसे कुछ सूंघने वाली चीजें, हमारे हर्मस का सब्जम है या अर्के अजीब है, तो इसमें हमने वो जो सिस्टम है यानी उसमें हमने पैथोलॉजी को स्टडी किया और उस पैथोलॉजी के हिसाब से ऑर्गेनिज्म के साथ लड़ने की सारे सिस्टम ने कोशिश किए है। तो इसमें क्या होगा, डे टू डे लोगों ने क्या किया है, अपडेट अपडेट होके नए बीमारी को फेस करने की कोशिश जो है पिछले साल 1.5 साल में हमने देखे गया। लेकिन इसके पहले जो था कि ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं आई थी, इसलिए हमारे सिस्टम जो पूरे आयुष के नॉट ओनली यूनानी जो सिस्टम्स है ये क्या हो गए हैं, निग्लेक्टेड रह गए, उसमें नेसेसरी लर्निंग प्रोसेस जो है उसके अंदर अपडेट नहीं हुआ है। आज भी बच्चे जब कोई एग्जाम देने जाते हैं और उनको सिलेबस दिया जाता है तो बच्चे परेशान होते हैं कि ये चीज पढ़ के हम करेंगे क्या, ये चीज का तो आजकल के मॉडर्न मेडिसिन में या मॉडर्न जमाने में कोई इस्तेमाल ही नहीं है। तो इस तरीके से जो ग्रोथ होना चाहिए या मॉडर्न सिस्टम जो है उसके फुटेज जो है इस एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है लेगेसी ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम की, उस हिसाब से हमको डे टू डे अपने आप को अपडेट करना है, और रिसर्च और मेथोडोलॉजी जो है उस हिसाब से एक एक मेडिसिन हमको ट्राई करके ये करना चाहिए। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन में और कॉन्वेंशनल मेडिसिन यानी जो मॉडर्न मेडिसिन जिसको कहा जाता है उसमें क्या फर्क है। तो मॉडर्न मेडिसिन बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज ऑफ द बॉडी एंड यूजेस ट्रीटमेंट दैट हैव बीन प्रूवन इफेक्टिव थ्रू साइंटिफिक रिसर्च, यानी कोई भी चीज इनको जब यूज करनी है तो आपको दिखेगा कि इस मेडिसिन का पूरा डाटा, उनका एमआर आता है आपके पास, पूरा डाटा उस मेडिसिन का आपके पास रहता है, उस डाटा के हिसाब से क्या होता है उस मेडिसिन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसके बनिस्बत हम लोग बिलीफ पे काम करते हैं, मेडिकल केयर प्रोवाइडर हैज टू ट्रीट द होल पर्सन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, इसको कहा जाता है होलिस्टिक मेडिसिन। जो आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो बताती है कि पेशेंट के सिर्फ बॉडी पे काम नहीं करना है, सिर्फ इसके जो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर एंटर हुए हैं या जिसका इम्यूनो सिस्टम जो डिस्टर्ब हुआ है उस पे काम नहीं करना है, उसके माइंड पे भी काम करना है, यानी उसके रूह
या स्पिरिट पे भी काम करना है। तो ये होलिस्टिक मेडिसिन जो है, इसमें जो सिस्टम बेस्ड है, इसका एक बिलीफ ये है कि हमको तीनों लेवल पे काम करना है। इसकी वजह से ये जो सिर्फ एक सिस्टम जो है वो एक ही पार्ट ऑफ हेल्थ को पार्ट ये करता है, तो दूसरे पार्ट पे उसका साइड इफेक्ट होने के चांसेस जो है ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ये जो है हम तीनों को कंसिडर कर रहे हैं, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट को, तो रिलेटिवली ये क्या है, फ्री ऑफ साइड इफेक्ट। रिलेटिवली वर्ड इसलिए क्या है कि आपका चॉइस ऑफ मेडिसिन अगर गलत हुआ तो क्या होता है, आपके भी मेडिसिन के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर लिखा है लार्जर मैन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ पर रिक्वायर होता है, क्योंकि इनके प्रोडक्शन के लिए, वो सॉल्ट बनाने के लिए, उसके टैबलेट्स बनाने के लिए ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग की और मैन पावर की जरूरत पड़ती है। और हमारे पास हमारे अगर थैले थरल है और अब हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं या जोशांदा हम लोग बना रहे उसका एक इंग्रेडिएंट आपने उबाल दिए है, तो हमारा मेडिसिन जो है रिलेटिवली लेस रिसोर्सेस इसको रिक्वायर होते हैं। इसमें सर्विसेस मोस्टली क्यूरेटिव, ये जो मेडिसिन है कन्वेंशनल मेडिसिन या मॉडर्न मेडिसिन, ये इसलिए दिया जाता है कि जो भी सर्विस ये दे रहे हैं ये क्यूरेटिव होता है। और हमारे पास जो है सर्विसेस मोस्ट प्रिवेंटिव होते हैं, यानी हम उनको डाइट बताते हैं, इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, या फिर इस चीज से बचो, इस चीज का ध्यान रखो, तो ये थोड़ा सा एक एडिशनल पार्ट हम डालते हैं। तो इसमें क्या होता है, पर्सन को या उसके साथ जो लोग मुब्तला है इस चीज से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसलिए रिलेटिवली हमारा मेडिसिन जो है चीप होता है, यानी इसके खर्चे कम हो जाते हैं। और मॉडर्न मेडिसिन जो है, मेडिसिन बनाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये सारी चीजें अर्न करने के बाद आप देखते हैं कि पर्सन का कंसल्टिंग इतना नहीं होता है जितना वो लिख के देते हैं, उस दवा का क्या हो जाता है, कॉस्ट बढ़ जाता है। सिक्स पॉइंट हम देखेंगे, मोर इफेक्टिव इन अक्यूट इलनेस। ये जो मॉडर्न मेडिसिन है एक्यूट इलनेस में ज्यादा इफेक्टिव है, और हमारा जो क्रोनिक इलनेस है उसके अंदर ज्यादा इफेक्टिव है। डिपेंड्स ऑन डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड ट्रीटमेंट। इन ये लोग हमको एक पैथोलॉजिकल देते हैं, यानी इनका सिस्टम जो है बायो केमिस्ट्री पे काम करता है। ये हमको देखते हैं, जाइए सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स देखिए कौन सा ज्यादा है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, ये लेवल पे इनका काम होता है। और उस लेवल पे आप देखेंगे अगर पेशेंट आईसीयू में एडमिट हो गया तो हमको डेली सुबह में एक पैथोलॉजिकल रिपोर्ट करना पड़ता है, और इस रिपोर्ट के हिसाब से वहां के डॉक्टर उस दिन का जो ट्रीटमेंट है उस पर्सन का डिसाइड करते हैं। अच्छा बीपी बढ़ गया, चलो बीपी कम होने की दवा दो। अच्छा शुगर बढ़ गई, इंसुलिन का इंजेक्शन। तो ये सब इंजेक्शन ये जो है इनके डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, पैथोलॉजी होती है, इमेजिंग सिस्टम होता है, सारे सिस्टम से डायग्नोस करके उस हिसाब से ये डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को क्या ट्रीट करना है। और हमारा सिस्टम जो है डोंट डिपेंड सो मच ऑन डायग्नोसिस, यानी सो मच यानी क्यों बोला हुआ, क्योंकि हम काम करेंगे बायो फिजिक्स पे। हम पेशेंट का दम बलगम सफरा सौदा, उसके मिजाज को फाइंड आउट करेंगे। सफरा फाइंड आउट करने के लिए आपको किसी मेडिकल लैब में जाने की जरूरत नहीं है, इसमें आपका टैलेंट है, आपकी स्टडी है, आपकी मेहनत है, आपका कॉन्सेंट्रेशन है, ये लग जाएगा तो आपको पर्सन के उस बेसिस पे आप पर्सन को क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। तो इसलिए यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को मैंने मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन के, पहले तो हमने पूरा आयुष को कंपेयर किया, हम स्पेशली यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को मॉडर्न के साथ अब कंपेयर करेंगे, बायोफिजिक्स को बायो केमिस्ट्री के साथ। तो मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है ये अक्सर मैटर बेस्ड या पार्टिकल जौहर के ऊपर बेस्ड होता है, यानी उस पर्सन के अंदर ये मैटर बढ़ गया है, यानी उस पर्सन के अंदर का ये मादा बढ़ गया है, हम उस पर्टिकुलर मादे को कम करेंगे, ऐसा मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन बनता है। और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है पर्सन की कैफियत को देखता है, उसका टोटल स्ट्रक्चर जो टोटल फिजिक्स जो है उसके अंदर क्या फर्क पड़ा है वो देखते हैं। तो हमारा साइंस जो है इसको हम बोलेंगे अनसीन साइंस, वाइब्रेशनल मेडिसिन, एनर्जी दिखती नहीं है, फोटोन दिखता नहीं है, मॉडर्न मेडिसिन का पार्टिकल वो हमको बताते हैं दिस इज सोडियम क्लोराइड। उस तरीके से हम एक चीज जो है अनसीन चीज पे हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और उसको बताते हैं क्या है। तो इसके हिसाब से मॉडर्न साइंस को हम बोलेंगे सीन साइंस, हमारे साइंस को हम बोलेंगे अनसीन साइंस। जैसा अजमल सर आपको एग्जाम्पल देते हैं गर्म मसाला का, एक गर्म मसाला आपने बोला हाथ छू के देखा, नहीं ये तो गर्म नहीं है, नहीं इसके असरात जो है वो गर्म है, इसलिए उसको गर्म मसाला बोला है। तो इस तरीके से हमारा साइंस जो है हेवनली बेसिस पे या जो है अनसीन साइंस पे डिपेंड करता है, और अर्थली या वर्ल्डली बेसिस पे मॉडर्न साइंस जो आपको हर चीज वो लोग क्या करेंगे, प्रूफ करके बताएंगे ये साइंस है, ये प्रूफ है, ये हमारा रिसर्च है, ये उसका पेपर है, उस हिसाब से वो आपको हर चीज प्रूफ करके बताएंगे और हर चीज का रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये बोलेंगे जैसे साइंस ऑफ वॉट,
प्रॉब्लम क्या है, पेशेंट को पूछते भाई हम आप हमारे पास आए, आपका प्रॉब्लम क्या है, आपके सिम्टम्स क्या है, आपका साइंस जो है उस चीज पे रिजल्ट लाने की कोशिश करता है कि पेशेंट का प्रॉब्लम फीवर है तो उस फीवर को हम क्या करेंगे, रूल आउट करेंगे, तो ये क्या है, साइंस ऑफ रिजल्ट है। उसके बनिस्बत जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो पूछता है वाई, क्यों आपको फीवर है, इसका रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है। तो ये इसका फाइल और मफहूम के हिसाब से भी आप इसको क्या करते हैं, इस हैपनिंग को क्या करेंगे, यानी साइंस ऑफ हैपनिंग इज यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन और साइंस ऑफ प्रॉब्लम इज मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यानी मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम को डील करने वाली सिस्टम है। और ये हमारे बॉडी के अंदर जो हैपनिंग्स है, जो हो रहा है, जो रीजन है, जो फाइल है, उसको डील करने वाली सिस्टम जो है यूनानी थेरेपी है। इसलिए हम एक सिंपल थ्योरी यूज करते हैं, उसके पीछे सिंपल ठोस प्रिंसिपल्स हम लगाते हैं। और ये मॉडर्न सिस्टम है, ये कॉम्प्लेक्स थेरेपी होती है, ये मल्टीपल सिस्टम लगाते हैं। यानी हर दिन एक नया सेफेलोस्पोरिन आया, उसके बाद में और हायर एंटीबायोटिक आया, उसके बाद जनरेशन 4, जनरेशन 5, जनरेशन 6, यानी इसके जो मेडिसिन है ये दिन ब दिन ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में जाके हर चीज को क्या करते हैं, हर वक्त नई नई एजेंट। इसके बनिस्बत हमारा यूनानी साइंस जो है या उसूल इलाज है, ये जो है एकदम ठोस है। हम हर डेज के हिसाब से, यानी 5,000 साल पहले के हमारे अतीबा भी दम बलगम सफरा सौदा का एक खाका बना के उस हिसाब से चलते थे। आज भी हमको उसी को फॉलो करना है। कैसे फॉलो करना है, यही तो आपको सीखना है। सिस्टम ऑफ यूनानी आपको फॉलो करने के लिए उसका जो नॉलेज लेना है वही तो आपको डे बाय डे सीखना है। तो इस तरीके से पार्ट्स टू होल, यानी हम देखते हैं कि इस पर्सन के आंख में जलन है, इस पर्सन की एसिडिटी बढ़ी हुई है, इस पर्सन को जो चीजें है ये फायर की तरफ लेके जा रहा, तो ये पर्सन का जो मिजाज हो सकता है ये क्या है, सफरावी मिजाज हो सकता है। सफरा जो है इसके आंख का, नाक, आते, फेफड़े सबके अंदर एक अपना इफेक्ट डालता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे जैसे पर्सन सिम्टम बोलते जाता है, इस सिम्टम को हम क्या करेंगे, एक जगह हेलो ये सिस्टम को हम लोग एक जगह होल की तरफ लेके जाएंगे, एक अलग अलग पार्ट्स को हम क्या करेंगे, एक मरीज का होलिस्टिक अप्रोच की तरह उसको लेके जाएंगे। इसके बनिस्बत जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन है ये क्या करता है, हर पार्ट का एक अलग इन्वेस्टिगेशन करता है। अच्छा, आपको कार्डियोलॉजी में जाना चाहिए, आपको गायनिक में जाना चाहिए, आपको पीडियाट्रिक में जाना चाहिए। तो हर न्यू थेरी को ये क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उस पर्सन को उस तरीके ले जाते हैं। तो इसकी वजह से एक फैमिली फिजिशियन का एक कंसेप्ट था, या जब पहले जीपी करते थे लोग तो वो क्या करते थे, हेड टू फुट पूरा के पूरा खुद ही चेक करते थे और एक पर्टिकुलर मेडिसिन देते थे। तो उसके बनिस्बत हम क्या करते हैं, हमको कार्डियक प्रॉब्लम है हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, गायनिक प्रॉब्लम है गायनेकोलॉजिस्ट। और हर मेडिसिन जो है अलग अलग एक एक पार्ट के ऊपर ये मेडिसिन देता है, उस पार्ट को इम्प्रूव करने की कोशिश जो है मॉडर्न साइंस। तो इसके लिए ये साइंस अपने अलग अलग तरफ जाता है। वन ग्रुप ऑफ मेडिसिन जो है सबको देता है, जैसा अगर पेशेंट पैरासिटियम दे दिया, आ गया पेशेंट के बॉडी पे लाना, तो ठीक है इसको पैरासिटियम दे दिया देते सब। हेलो डॉक्टर सेमिना जी, माइक ऑफ कीजिए प्लीज। हेलो, यस यस, कंटिन्यू। ओके, मुझे ऐसा लगा कोई कुछ पूछ रहा है, क्योंकि मैंने ये अलग से ओपन किया है ना पीपीटी, तो आपके ग्रुप से थोड़ा अलग हो जाती हूँ मैं। माइक बीच में ऑफ ऑन हो जाते हैं ना सबीना जी। हम लोग जो है देखेंगे कि मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, अपने एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन को लेके जाते हैं, इसकी वजह से अपने बेस से दूर 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 चले जाते हैं। और हम लोग जो है आप एक कंपाइल करते हैं, एक यूनिफाइड प्रिंसिपल जो है फंडामेंटल हम लोग यूज करते हैं। इसमें हम कोई सुपरफिशियली चेक नहीं करते हैं, असल माध्य की तरफ जाते हैं। यानी हम हमारे सिस्टम जो है उस पर्सन के बेस की तरफ लेके जाते हैं, उसके होलिस्टिक इलाज का हम लोग जब मकसद रखते हैं तो हम पर्सन को हेड टू टो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर खाके में फिट करते हैं। और उसकी वजह से इसको हम बोल सकते हैं बेस्ड ऑन रियलिटी है।
और ये जो फिलोसफी हमारी वक्त के साथ बदलती नहीं है, ये हाईली कस्टमाइज है, ये पर्सन के साथ या इंडिविजुअल के साथ बदलती है, बदलते रहती है। यानी ये पर्सन है, ये सफरावी है, ये पर्सन है, ये बलगमी है, ये इंडिविजुअल उसका हम सॉर्ट आउट करेंगे जब उसके पूरे होल बॉडी की यानी होलिस्टिक हम लोग उसके अप्रोच को देखेंगे। हम उसको देखेंगे कि वो किस टाइप का ख्वाब देखता है, उस किस टाइप की उसकी स्किन है, किस टाइप से उसकी धड़कन है, उसकी नब्स कैसी है, उसके बोल बरास क्या है, ये सब जब हम देखेंगे तो एक कस्टमाइज यानी उस पर्सन का एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड हम लोग तैयार करेंगे। इसको क्या करेंगे हम, इसको बोलेंगे हम लोग इसको रियलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। इसके बनिस्बत जब हम मॉडर्न सिस्टम में जाते हैं तो थोड़ा सा हाइपर रियलिटी हो जाती है, यानी हम पर्सन का ईसीजी किए है वो एक चेंजेस बता रहा है, सोनोग्राफी किए है वो अलग चेंजेस बता रहा है। तो ये सब को हम लोग एक एक पार्ट की अलग अलग स्टडी करने के लिए उसमें क्या हो जाता है, इसकी जो थ्योरी है ये क्या हो जाती है, डाइवर्सिफाइड हो जाती है, यानी इसको मल्टीपल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है और हम एक एक चीज को अलग अलग से ट्रीट करने की कोशिश ये जो मॉडर्न सिस्टम से कर रहे थे। तो इसलिए इसको बोलते हैं इसमें अबाउ एटॉमिक थेरेपी है, मॉलिक्यूल्स इसके अंदर लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल अगर एंटीबायोटिक्स का मैंने अभी देखे कि जनरेशन बाय जनरेशन हायर 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 पेप्टोज तक मेडिसिन चले गए। पेप्टाज हम देखेंगे 2700 का एक इंजेक्शन डोज है, वो इतना हायर एंटीबायोटिक तक ये लेके गए हैं। फिर भी एक स्टेज ऐसी आती है कि वो जो ऑर्गेनिज्म उनके अंदर बॉडी के अंदर गए हैं वो सब इस मेडिसिन से नहीं मरते हैं। तो हम क्या करते हैं, कल्चर सेंसिटिविटी करके अलग अलग सेंसिटिव दवाओं को क्या करते हैं, इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो ये टोटल साइंस जो है बायोकेमिस्ट्री पे है, ये एटॉमिक लेवल के ऊपर का है, एक बना हुआ है, एक मेडिसिन का सॉल्ट आपको दिया गया है, उसी सॉल्ट को क्या करते हैं आप रिकॉग्नाइज कर करके उसको इस्तेमाल करके उस पेशेंट के रिकवरी की कोशिश की जाती है। उसके बनिस्बत हमारा जो बायोफिजिक्स है सब एटॉमिक है या फंडामेंटल है, एटम से भी नीचे एनर्जी लेवल पे या अल्ट्रा साइंटिफिक लेवल पे जिसको अभी हम नैनो के बात देते हैं, तो ये जो है अल्ट्रा लेवल पे है। तो हम बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सिस्टम, फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल है कि अगर आपको हाइपरटेंशन हुआ है तो मॉडर्न वाले डॉक्टर बोलेंगे आपको नमक नहीं खाना है क्योंकि उसके अंदर का सोडियम क्लोराइड के अंदर का जो सोडियम है ये क्या करता है आपका हाइपरटेंशन जो है और भी बढ़ा देता है ब्लड प्रेशर। मॉडर्न मेडिसिन के अभी अभी इन्होंने स्टडी करके बताया, अभी अभी यानी 500-600 साल पहले, हम लोग 6000 साल पहले पर्सन को बोलते थे बेस्ट नमक जो है वो नमक लाहौरी है, नमक लाहौरी रॉक सॉल्ट है जिसके अंदर होता है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड वैसे ही नमक है जैसे कि सोडियम क्लोराइड, वैसा ही टेस्ट है, वैसे ही सारी चीजें, बस सोडियम के बजाय इसमें पोटेशियम है। तो इस पर्सन का हाइपरटेंशन जो है कंट्रोल में रहता है, यानी इसका बीपी जो है कंट्रोल में रहता है, जबकि उसके टेस्ट में कोई फर्क नहीं आता। आप अगर पेशेंट को बोलेंगे बगैर नमक के खाना खाओ तो पेशेंट का जो खाना छूट जाता है, खाने पीने का जो मूड है वो खत्म हो जाता है। अगर उतना ही खारा खाना, उतना ही लजीज खाना पेशेंट अगर खा रहा है तो सोडियम के बजाय पोटेशियम का इस्तेमाल जो है हमारे मेडिसिन में 6000 साल पहले लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम अगर अल्ट्रा साइंटिफिक यानी बेसिक सब एटॉमिक लेवल पे अगर इनको डिवाइड करना शुरू करेंगे तो ये जो सिस्टम है हमारा अनलिमिटेड की तरफ जाता है, हमारे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन के लिए कोई भी लिमिट नहीं रहता है। तो हम हमारे नुस्खे जो है उसको बदल बदल के अनलिमिटेड टाइम तक उसको अनलिमिटेड लेवल तक उसको इस्तेमाल कर जाते हैं। इसमें हम खाली दो ही कैफियत को इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि कंप्यूटर का अभी जो लास्ट लेक्चर जिन्होंने अटेंड किया होगा हकीम साहब का, तो वो है कि 0 और 1, 0 1 कैफियत को लेके कंप्यूटर ने करोड़ों सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप किए हैं। इस ऐसी तरीके से हम लोग भी जो कैफियत है उसको क्या करेंगे, हार रतब बारीद रतब, जैसे हार या बारीद है या फिर रतब और या बीस है, इस तरीके से दो कैफियत पे हम लोग पूरा सिस्टम क्या कर सकते हैं उसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के हिसाब से, पर्सन के इंडिविजुअलिटी के हिसाब से क्या करते हैं उसको चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके इवोल्यूशन जो होता है, रोबोटिक सर्जरी है, अलग अलग स्कोपीज है, तो ये इवोल्यूशन जो हुआ है इनका सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट में हुआ है, सिस्टम ऑफ मेडिसिन में नहीं हुआ है। हमको लगता है कि मॉडर्न साइंस बहुत इवॉल्व है, तो क्या इवॉल्व हुआ, इन्होंने अलग अलग मशीनरीज निकाले हैं, अलग अलग सर्जरी निकाले हैं, अलग अलग स्कोपी निकाले हैं, तो पर्सन के अंदर अंदर तक ये क्या कर सकते, झांक के देख सकते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है,
सिस्टम ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है। तो मल्टीपल जो है इसके अंदर फैक्ट्स जो है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक रिसर्च इन लोगों ने किए हैं, तो इसकी वजह से इनका सिस्टम हमको लगता है कि बहुत एडवांस है और एक एक चीज वो बॉडी के हमको दिखाते हैं। इस सीन साइंस है इसलिए हमको क्या होता है इस पे भरोसा होता है, इसकी तरफ से पर्सन अट्रैक्ट हो जाता है। और हमारा साइंस अनसीन है, इसमें कॉम्प्लेक्स से लेके सिंपल तक ली जाया गया है, लेकिन जब तक आप इस कॉम्प्लेक्स को सिंपल की तरफ ली जाने वाली थ्योरी को नहीं पढ़ोगे तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आपका साइंस जो है कितना सिंपल है। तो यूनिफिकेशन इज साइन ऑफ इंटेलिजेंट, आइंस्टाइन का एक सेंटेंस है कि जब आप यूनिफाई करते हैं पूरे जितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है उसको एक सिंगल लेवल पे लाने की कोशिश करते हैं, इसी को इंटेलिजेंस कहा जाता है। आइंस्टाइन के सेंटेंस को हम काबिल रखते हुए होलिस्टिक मेडिसिन क्या है इसको हम देखेंगे। होलिस्टिक मेडिसिन को कन्वेंशनल मेडिसिन, इंटेग्रेटेड मेडिसिन, अलग अलग मेडिसिन का नाम दिया हुआ है, अलग अलग थेरेपीज आयुष यूज करता है। तो ये सारे थेरेपीज का मिलके हम ह्यूमन बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है वो देखते हैं। तो आयुष का जो ऑब्जेक्टिव है ये चाहता है कि अपग्रेड द एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स। आयुष चाहता है कि ये जो पाचोपैथी है इंडिया में जिसको रिकॉग्नाइज किया है इसका एजुकेशनल स्टैंडर्ड जो है अपग्रेड किया जाए, उसको स्ट्रेंथ दिया जाए, उसके अंदर अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूशन शो निकाले जाए और ड्रॉ अप द स्कीम फॉर प्रमोशन कल्टीवेशन रीजनरेशन ऑफ द मेडिकल प्लांट। ये सारे सिस्टम जो है आपके अलग अलग सिस्टम जो है आपको हेल्प करते हैं कि आपका जो स्टैंडर्ड है उसको किस तरीके से बढ़ा गया है। तो इवॉल्व फार्माकोलॉजिकल स्टैंडर्ड, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर ऑफ मेडिसिन जो है ये फार्माकोलॉजिक पर डिपेंड है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आयुष का है उसका एक डाटा जो है यहाँ पर मैंने आपको दिया हुआ है, तो जिसमें आप देखेंगे कि कितने डिस्पेंसरीज आयुष के चलते हैं, कितने 11 नेशनल इंस्टीट्यूशन है डिस्पेंसरीज है, कितने डॉक्टर्स है। तो इसमें आप देखेंगे ये जो पूरा आयुष का डाटा है मैंने यहाँ पर दिया है, तो मुझे लगता है इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। आप इस डाटा को फॉर योर रिकॉग्नाइजेशन है, आप कहाँ हो, आपकी पोजिशन क्या है, ये दिखाने के लिए मैंने इसको मेनली लिया था। तो इसमें आप देखेंगे कि जो होम्योपैथी के डॉक्टर है, या आप देखेंगे करीब करीब 36% जो है होम्योपैथी के डॉक्टर है और यूनानी के डॉक्टर जो है 6.4% है। हमारा जो रिकॉग्नाइजेशन है इस पूरे सिस्टम में हमारा पर इसमें अभी सिर्फ हमारे 50,000 लोग जो है यहाँ पर आयुष के डॉक्टर्स बने हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 50,000 डॉक्टर तो अकेले यूपी में ही पास आउट होते हैं। यूपी में 15 कॉलेजेस है और करीब करीब हर कॉलेज का जो इनटेक कैपेसिटी है 40-60 से ज्यादा है। कई कॉलेजेस ऐसे जिसमें 100 लोगों का एडमिशन होता है, कई कॉलेजेस ऐसे है जिसमें 120 का एडमिशन होता है। फिर अगर हर साल हमारे यूपी में 50,000 डॉक्टर पास हो रहे तो ये ओवरऑल आपको जो बताया गया है इसमें सिर्फ 50,000 का रिकॉग्नाइजेशन क्यों है, ये सवाल मुझे पहली बार जब मैंने ये डाटा देखा तो पड़ा था। तो इस तरीके से आपको अपने आप को ढूंढना है कि हमारी पोजीशन यहाँ पे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट को हमारा रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये डाटा खुसूसन हाईलाइट किया हुआ है कि आप जानो कि आपकी पोजीशन क्या है। तो आपको कितना हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने आपको रिकॉग्नाइजेशन दिया है, गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दी है, अभी आपको परमिशन की लड़ाई नहीं है, आपको अपना स्टैंडर्ड एलिवेट करना है। जो भी बच्चे यूनानी सिस्टम में आए हैं वो यूनानी सिस्टम को पहचाने, उसमें इंटरेस्ट ले, उसके अंदर पढ़ाई करे और यूनानी प्रैक्टिस करे। और इसमें अंदर पब्लिक हेल्थ के अंदर जो इम्पोर्टेंस आयुष का मैंने दिया हुआ है, इसमें भी मैंने जैसा बताई कि यूपी में सब में ज्यादा रिकॉग्नाइजेशन आयुष सिस्टम में जो है पहले आयुर्वेद को है, उसके बाद होम्योपैथी को है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन बहुत सारे लोगों को आज भी नहीं मालूम है। तो अगर पूरे इंडिया में देखेंगे तो 50 कॉलेजेस है यूनानी के, उसमें से 11 कॉलेज यानी 1/5 पार्ट ऑफ द यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन यूपी में है और सब में कम यूपी के लोगों को मालूम है कि व्हाट इज यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो हमको पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस डेवलप करना है अपने सिस्टम का, उसके अंदर अलग अलग सिस्टम का ये इसके अंदर जो नोट्स डाले हुए आप इंटरेस्ट से उसको पढ़ सकते हैं। चलो हम देखते हैं थोड़ा सा अभी एक एक सिस्टम की तरफ। तो आयुर्वेदा जो है फर्स्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन आयुष का ए से बना है आयुर्वेदा। तो ये डोमिनेंट हर्बल ट्रेडिशन है इंडिया के अंदर, पिछले 6000 साल से ये है और एनकरेजमेंट इनको मिला है जापान और जर्मनी जैसे कंट्रीज में, इन्होंने आयुर्वेद कॉलेज वहां पर भी शुरू किए हैं, अमेरिका में भी आयुर्वेद सोसाइटी बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो इसमें आयुर का मीनिंग होता है लाइफ और वेदा का मीनिंग होता है नॉलेज।
तो नॉलेज ऑफ लाइफ को आयुर्वेदा ने अपने मीनिंग के हिसाब से नाम दिया हुआ है, और इसका इनकॉर्पोरेट साइंस, रिलीजन एंड फिलोसॉफी जो है डीलिंग, उनके भी प्रिंसिपल होते हैं और वो भी मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ के लिए काम करते हैं। तो इस तरीके से उनके तीन जो कैफियत है वात पित्त कफ, उसको उन्होंने उनके पांच अनासिर जो है, जैसा एयर फायर वाटर अर्थ और ईसर, इसके साथ मेन करके उसको उन्होंने अपना खाका बनाया है। तो ये जो कंसेप्ट है फाइव बेसिक एलिमेंट, इनको ये फाइव बेसिक एलिमेंट को ये बोलते हैं पंच महाभूत, और तीन दोष वो लोग काउंट करते हैं जिसको वात पित्त कफ बोलते हैं। तो ये पंच महाभूत जो है आकाश वायु यानी एयर, अग्नि यानी फायर, जल यानी वाटर और पृथ्वी यानी अर्थ। तो इसी हिसाब से ये लोग मर थेरेपी फायर के लिए, सूर्य प्रकाश थेरेपी, वायु के लिए प्राणायाम थेरेपी, आकाश यानी इथर में वो लंगन थेरेपी, इस तरीके से थेरेपीज हमको बताते हैं। उन थेरेपीज के बारे में भी हम आगे वाले आने वाले स्लाइड्स में क्या करेंगे मालूमत लेंगे। तो इसके अंदर बैलेंस कंसिडरेशन, ये पांच और तीन के त्रिदोष और पंचमहाभूत के अंदर ये लोग क्या करते हैं, बैलेंस तैयार करने की कोशिश करते हैं, और इसी से इनकी ह्यूमन बॉडी बनी है, ये उनका प्रिंसिपल है। तो उनके हेल्थ और सिकनेस डिपेंड होते हैं द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ बैलेंस स्टेट। इस स्टेट के अंदर कोई अगर इम्बैलेंस होता है तो उसके अंदर टोटल मैट्रिक्स इंक्लूडिंग बैलेंस बिटवीन द डिफरेंट कंसिस्टेंट, ये जो कंसिस्टेंट जो है इनके अंदर जिस चीज के अंदर कमी हो गई उसको पूर करने की ये लोग कोशिश करते हैं। तो प्रॉपर्टीज, लोकेशन और मैनिफेस्टेंस जो है इस एलिमेंट्स के हिसाब से वो क्या करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं। उनके जो त्रिदोषाज है वात पित्त कफ, बेसिक फोर्सेस या पिलर्स ऑफ द लाइफ ये बोलते हैं। तो ये एलिमेंट जो है उन्होंने दो दो पंचमहाभूत के यूनिट उसको करके लिए है, और वो सोचते हैं कि पर्सन के अंदर इम्बैलेंस जो आता है तो ये तीन दोष की वजह से आता है। हमारे सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी भी यही सोचती है, बस हमारे दोष के जगह चार चीजें हमने उसको कंसिडर किए। तो इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर ये लोग सोचते हैं फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और इन्वायरमेंटल। सेम थिंग आयुष के बाकी पैथीज भी सोचते हैं। एनी इम्बैलेंस गिविंग राइज डिजीज एंड ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ रिस्टोरिंग इक्विलिब्रियम थ्रू वेरियस प्रोसीजर्स, रेजिमेन, आहार विहार, डाइट, शुद्धि अशुद्धि, मेडिसिन, बिहेवियर चेंजेस, ये सारी चीजें जो है हम भी कंसिडर करते हैं, आयुष के बाकी सिस्टम भी कंसिडर करते हैं। द मेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ह्यूमन बींग आर एट्रीब्यूटेड टू सत्व, राजस और तामस, तीन टाइप के इनके अंदर गुण है। सात्विक खाना खाते हैं, राजसिक खाना खाते हैं या तामसिक। सात्विक जो है बेसिकली यानी ट्यूर द न्यू क्या बोलेंगे उसको, आगे मैं इसको बता दूंगी तीनों चीज क्या है। तो साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज उनके ये तीन चीजों पे होते हैं, जैसे एक हमने देखा कि बॉडी है, एक फिजिक है, इसी तरीके हम इमोशंस या स्पिरिट या साइकोलॉजी को भी ट्रीट करेंगे। तो इनकी साइकोलॉजी जो है ये कलेक्टिवली त्रिगुणा, यानी इन लोग बोलते हैं जो तुम खाते हो उस तरीके से तुम सोचते हो। तो इनके जो तीन गुण है, जैसा हमने त्रिदोष देखे, दोष यानी निगेटिविटी, तो इनके अंदर तीन गुण को हमने एक शॉर्ट टेबल में ये माना गया है कि सात्विक यानी जो न्यूट्रल की तरफ है, उसके अंदर लाइटनेस है, कॉन्शियसनेस है, प्लेजर है, क्लैरिटी है, वो पर्सन प्योर है, फ्री फ्रॉम डिजीज, कैनॉट बी डिस्टर्ब, यानी उसका जो बॉडी स्टेटस है ये क्या है, हेल्दी है, उसका माइंड स्टेटस जो है वो हेल्दी है, और एक्टिवेट्स एंड सेंसेस द रिस्पॉन्सिबल फॉर द परसेप्शन ऑफ द नॉलेज। हमारे नॉलेज का जो परसेप्शन है, जो उसको इस्तेमाल करना है, जिसको अप्लाइड पार्ट बोलेंगे, वो ये बखूबी करता है, तो इसको सात्विक पर्सन बोलते हैं। राजसिक पर्सन जो है ये थोड़ा सा हाइपर की तरफ होता है, यानी मोस्ट एक्टिव ऑफ द गुनास हैज मोशन, जैसा हम लोग बोलेंगे कि इसका सफरा बढ़ गया है। तो इसमें क्या होता है, इसके स्टिमुलेशन जो है कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसके डिजायर जो होते हैं वो थाए होते, विशेष जो होते, ये चाहता है वो चाहता है, मैं चाहूँ कि ये बेहतरीन कार लो, या मुझे ये मारुति वारुति में इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो ऑडी खरीदूंगा, मैं तो बीएमडब्ल्यू खरीदूंगा, ये क्या है, विशेष है, डिजायर से, मैं महल बनाऊंगा, एम्बिशन से। तो ये सारे जो चीजें राजसिक टाइप के खाने खाने वाले या राजसिक सोच के या हाइपर सोच के लोगों के अंदर होता है। तो माइंडनेस जो है इसका रिजल्ट जो है उसके सेम रिजल्ट में लाने की ये पर्सन क्या करता है, कंटिन्यूस उसके पीछे कोशिश करता है। उसके अपोजिट जो हाइपो पर्सन होता है उसको कहा जाता है तामसिक। तो इसके अंदर एक हेवीनेस आता है, एक रेजिस्टेंस आता है, एक ठहराव आता है। तो कभी कभी ये जो है ठीक है, इसी में मैं खुश हूँ, कोई कुछ चीज करने को मुझे मूड नहीं है, एक बॉडी के अंदर एक ठहराव आ जाता है। तो इसका परसेप्शन या एक्टिविटीज जो है उसके माइंड की जो है डिस्टर्ब रहती है, एक डिल्यूजन में रहता है,
फॉल्स नॉलेज में रहता है, लेजीनेस उसके रहता है, सुबह क्यों उठ गया। कुछ लोग सोचे यार अभी सूरज उग गया, उठना ही पड़ा, अब क्या करें, टाइम हो गया, उठना ही पड़ा। और कुछ लोग ऐसे उठे, वाओ हेल्दी में हमने कोई लेक्चर रखा है, मुझे उठना है, फ्रेश होना है, लेक्चर के पहले मुझे नहा धो के फ्रेश होके माइंड मेरा उसको एब्जॉर्ब करने का टाइम बना के। तो ये क्या है, दोनों के अंदर फर्क है। तो एक पर्सन जो है एक्टिव होता है और एक पर्सन जो है डीएक्टिव होता है। तो उस हिसाब से इन्होंने इसको त्रिदोष को उन्होंने डिवाइड किया है। इनका डायग्नोसिस जो है वो भी इनकी नाड़ी परीक्षा जो है उस हिसाब से कफ पित्त वात के हिसाब से जो है हमारे इसमें भी जब हम नाड़ी परीक्षा देखेंगे तो वैरायटी ऑफ कई नब्बाज लोग हैं आज भी इंडिया में मौजूद है जो नब्स के ऊपर लेक्चर लेते हैं, नब्स के हिसाब से आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपके पेशेंट को डायग्नोस करना है कि उसकी कौन सी प्रवृत्ति बढ़ी हुई है। तो पहले जमाने में ये लोग जो है नर्व्स है, टंग, स्किन, फिजिकल फीचर, स्टूल, बोल बराज हम भी यूज करते हैं, आईज है, विजुअल सेंसेशन है, ये सारे एग्जामिनेशन के लिए यूज करते थे। आजकल हमारे पास इतना साइंस एडवांस हो गया है, पहले वाले स्लाइड में मैंने आपको बताया कि इतने सारे स्कोपीज आए हैं कि ये चेंजेस हम खुली आंख से देख सकते हैं। पर्सन का पेट जो है एक होल में से स्कोप डाल के पूरे पेट की जो स्टडी है हम अपनी आंखों से देख के कर सकते हैं, लेकिन पहले जमाने में ये था नहीं। तो लोग जो है नाड़ी परीक्षा करते थे, उसका बोल बरास एग्जाम करके मालूम करते थे कि इसके अंदर क्या है, परसेप्ट क्या है इसका, स्वर ये जो है पित्त कफ का है या वात प्रवृत्ति का है या फिजिक उसके जो फीचर है वो देख के डिसाइड किया जाता था। इनको वैद्य बोलते हैं, जो BAMS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेद होते हैं तो इनको वैद्य बोलते हैं और BUMS लोगों को हकीम बोलते हैं। तो ये वैद्य लोग जो है उनका ये क्वेश्चनिंग होता था, पर्सन का हिस्ट्री लेते थे और इस तरीके से वो बनाते थे। आजकल आयुर्वेद वाले भी जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने फैसिलिटीज दिए है उस फैसिलिटीज को अवेल करते हैं और पर्सन का जो है परसेप्टिव जो है यानी स्वस्थ प्रवृत्ति या स्वस्थ वृत्त जिसको बोलते हैं, पर्सन हेल्दी है या अनहेल्दी है, स्वस्थ वृत्त उसका क्या है वो डिसाइड करते हैं। तो इनके इलाज में आप देखेंगे कि रॉ मटेरियल जो है मैक्सिमम प्लांट्स की तरफ से लिया जाता है, जनरली सेफ होता है, मैन्युफैक्चर करते हैं उसको प्रॉपरली, और जैसा हम लोग कुश्ता बनाते हैं वो लोग भी भस्म बनाते हैं, और वो जुडिशियली नेसेसरीली आपको बताते हैं डूज और डोंट्स, यानी क्या चीज का पथ्य करना चाहिए, जो चीज है अपथ्य क्या है वो बताते हैं। तो इनका सिलेक्शन ऑफ ड्रग जो होता है ये रस, वीर्य, विपाक, टेस्ट, ये जो तीन चीजें इसके ऊपर डिपेंड होता है। रस यानी इंडिकेट्स कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, प्रोबेबल एक्शन ऑफ द ड्रग्स, और उसके सिक्स टेस्ट होते हैं, वो सिक्स टेस्ट के ऊपर ये रस जो है टेस्ट का है उसके ऊपर इनके मेडिसिन जो है वो डिपेंड करती है। यानी ये पेशेंट को ये सवाल पूछते हैं कि आपके मुंह में हमेशा कैसा टेस्ट रहता है। कुछ पेशेंट बोलते हैं कि नहीं, 24 घंटे चाहे मैं मीठा खाऊं ना खाऊं मेरे जबान पे मीठा टेस्ट रहता है। कुछ पेशेंट बोलते हैं कि कोई सोर यानी खट्टा टेस्ट है। तो इस तरीके से ये जो जबान के ऊपर टेस्ट है उसके लिए भी इनकी मेडिसिन कंसिडर की जाती है। फिर एक है वीर्य, ऑन द बेसिस ऑफ वीर्य ड्रग्स आर क्लासिफाइड इनटू हॉट या कोल्ड, उष्ण या शीत प्रवृत्ति के ड्रग है वो लोग डिसाइड करते हैं कि उसका वीर्य जिस टाइप का है उसके हिसाब से उसको क्लासिफाइड। और विपक यानी फूड और मेडिसिन जो है वेरियस चेंजेस के ड्यूरिंग डाइजेशन यानी मेटाबोलिज्म के अंदर, जैसा पेट के अंदर है स्टमक के अंदर अलग हम बोलेंगे हजम जो होता है मेदी वो हमारे पेट के अंदर होता है, फिर हमारा जो पेट के अंदर से जो मेसेंट्रीज है उरू के उसके अंदर से पूरा लीवर के अंदर लिया जाता है, लीवर के अंदर हजमे कब्दी होता है, हजमे उरू की होता है, इसी तरीके का ये विपाक बोलते हैं आयुर्वेद वाले। उनका भी ये है कि ये डाइजेशन जो है विपाक जो है इसके रिजल्ट में जो मेटाबोलिक आउटपुट आता है, तो ये थ्री टाइप के टेस्ट और विपक जो है उसके ऊपर इनका मेडिसिन जो है डिसाइड करता है कि पेशेंट को किस टाइप का मेडिसिन दिया जाए। जैसे कि मैंने बताया कि इनके अंदर भी ये लोग क्या करते हैं, मेडिकेटेड थेरेपीज यूज करते हैं, जैसा कि क्षार सूत्र जो है उस तरीके से। तो ये पंचकर्म थेरेपीज बोलते हैं जिसको ये डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस करते हैं। ये लोग पहले इन्होंने डायग्नोस किया कि पर्सन के अंदर जो चीजें हैं जिनको बाहर निकालना है, मेडिसिन के जरिए निकालेंगे, डायटिक्स के जरिए निकालेंगे, या फिर कोई प्रोसेस है जिनको ये पंचकर्म बोलते हैं हमारे यहाँ, हम उसको इलाज भी तदवीर के अंदर काउंट करेंगे। तो ये लोग जो पांच तत्व यूज करते हैं, पहला है वमन जिसको एमेसिस बोलते हैं, विरेचन जिसको परगेशन बोलते हैं, बस्ती जिसको एनिमा बोलते हैं, नस्य थ्रू द नोज रूट, जब एक नेति होता है जल नेति है
आप लोग अगर कोई प्रैक्टिकली देखने के लिए चाहे तो वापस आप आपके कॉलेज स्टेट तक मुलित्तीव आ सकते हैं। हम एक प्रैक्टिकल सेक्शन भी अरेंज कर सकते हैं, जिसको अगर ये पंचकर्म या इलाज भी तदबीर जो है देखना है तो आप लोग वो भी एक अरेंज कर सकते हैं कहीं, तो आपको ये दिखाया जाएगा। फिर रक्त मोक्षण ब्लड लेटिंग, हम लोग इसको फर्स्ट खोलना भी बोलते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है हमारी एक दूसरे से क्या है, मिलती जुलती है। बस ये सिस्टम डेवलप हुआ है इंडिया में और हमारा सिस्टम डेवलप हुआ है मिस्र यूनान में। तो सिस्टम डेवलप होते वक्त इसके अंदर मॉडिफिकेशन जो आए हैं या फिर इनका दवा बनाने का तरीका जो चेंज हो गया है उसके बारे में हम लोग मालूम लेंगे। तो ये पंचकर्मा थेरेपी है जो रिकरेंस के चांस जो है पेशेंट के वो मिनिमाइज करती है और जो डिजीज है प्रमोट करती है डिजीज को, रीजुनेशन यानी युवा की तरफ बॉडीज को ले जाना, रीजनरेटिव प्रोसेस जो करना है इसके वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, बायो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। तो इसके अंदर मैंने जैसा कि कॉटराइजेशन जो है क्षार सूत्र से जो करते हैं, क्षार यानी एक नमक होता है, सूत्र यानी धागा है, और पर्टिकुलर नमक को धागे में लगा के उसको इंसर्ट करते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल मैं बताई कि साइनस जो डेवलप होता है पैरा एनल लिजन में, तो इसमें ये धागा डालने से जो कॉटराइजेशन वाला बहुत बड़ा हम सर्जिकल प्रोसेस करते हैं और उस साइनस को पूरा डी निकाल के मतलब सर्जिकली खरोच के निकालते हैं, वो जो है ये आसानी इनके इसमें हो जाता है। तो आप ये सिस्टम को पढ़ेंगे तो आपको इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, मालूमत हो जाएगी। तो मुझे लगता है आपका एक घंटे का जो टाइमिंग है वो खत्म हुआ है। तो कुछ किसी को इसमें कुछ डाउट्स अगर पूछने हैं इंट्रोडक्शन में कुछ, तो थोड़ा हम उसका लेक्चर लेते हैं और आगे वाले सिस्टम्स आने वाले एक दो लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे, चलेगा? जी मैम, बहुत ही अच्छा आप सुपरविजन दे रही हैं। एक यूनानी की हिस्ट्री को आपने आज झंझोड़ दिया हम लोगों को, बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉलेज आप दे रही हैं, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। भले ही संडे के अलावा इसको रखें, मतलब ये हमारे लिए सरप्राइज दे रही हैं आप, मतलब बहुत बड़ा सरप्राइज है ये। मतलब हमें ये नहीं पता था कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एलोपैथ यूनानी एंड आयुर्वेदा सिद्धा, मतलब हमें अपना कंसेप्ट तो जानने के लिए हमें दूसरे के कंसेप्ट को भी आप बता रही हैं, सबसे इम्पोर्टेंट। एक्चुअल आपको ये सिखाना भी चाह रही हूँ कि आप एक होलिस्टिक अप्रोच से पेशेंट को एड करें, यानी जैसा क्षार सूत्र जो है इनका एकदम जाना माना शास्त्र है, वो हम सीख भी सकते हैं, हम यूज भी कर सकते हैं। आयुष मेडिसिन जब आयुष पैथी आपको अलाउ कर रहा है कि आप चारों पांचों पैथी को यूज करो, तो इस पीपीटी में मैंने पांचों पैथी का इंट्रोडक्शन ऐसे दिया है कि इनके मेडिसिन भी आप आपके पेशेंट के लिए यूज कर सकते हो। और दूसरे सरप्राइज आप दे रही है कि हमारे कॉलेज में आकर आप सेशन कर सकते हैं, तो हेल्दी वेव इंशाल्लाह बहुत जल्द इस सेशन को आपके यहाँ रखेगा इंशाल्लाह। जी, अगर जिसको प्रैक्टिकल सीखना है, जैसा आपको नस्य मालूम ही नहीं है कि व्हाट इज दिस नस्य, तो ये नस्य मैं आपको बता सकती हूँ। एक नेति पात्र होता है, उस पात्र से उसमें एरोमा थेरेपी का इस्तेमाल करके उसके अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, अभी जैसा अभी हमने कुछ ही स्लाइड देखे, तो इस स्लाइड में आप देखेंगे कि इसके अंदर 72 स्लाइड्स का मैंने ये शो बनाया है। तो ये 72 स्लाइड से मैं करीब करीब इतनी सारी चीजें जो है मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाह रही हूँ जो आप एक्चुअल प्रैक्टिकली आपके क्लिनिक में यूज कर सकते हो। तो जब तक हकीम अजमल सर नहीं आते हैं तब तक हम इसको चलाते रहेंगे, जैसे जैसे आप एवरी संडे एक डेढ़ घंटे का टाइम निकाल के ये सरप्राइज रखेंगे ये अलग से संडे में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सरप्राइज है, क्योंकि अजमल सर तो आ ही जाएंगे, वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन जो आप हिस्ट्री बता रही हैं ये हमारा फर्स्ट प्रॉफ का एक सेशन है, और जब तक हमें अपने बारे में दूसरे के बारे में नॉलेज नहीं होगी तो हम कॉन्फिडेंशियली किसी बात का डिस्कशन नहीं कर सकते। जी सर, मतलब उसकी वजह से क्या होता है फिर लोग आपस में उलझ जाते हैं, लोगों को ऐसा हाँ, लगता है तुम्हारी पैथी ऐसे बोल रही है हमारी पैथी ऐसे बोल रही, तो पहले हम जाने तो हमारे अंदर सिमिलैरिटीज क्या है और चेंज एक दूसरे के अंदर फर्क क्या है, जब हम जानेंगे तो शायद एक दूसरे के साथ नहीं उलझेंगे और सबका जो है बहुत अच्छा ग्रोथ हो जाएगा। जी जी जी, ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरा मैम, जो आप बता रही हैं कि जो पंच कर्म है और दूसरे की पैथी को भी आप जब आप एलोपैथ यूज कर रहे हैं तो यू आर इंटीग्रेटेड, आप सीखिए और उसको अपने यहाँ यूनिट लगाने का है, तो इंशाल्लाह इसमें और लोग जो भी क्वेश्चन पूछना चाहे मैम से, आप 5 से 10 मिनट आप अपना टाइम बढ़ा सकते हैं और आप डिस्कस करिए खुले मंच पर। ठीक है, किसी को कुछ और पूछना है यूनानी पैथी का, आज हमने इंट्रोडक्शन लिया है,
और आने वाले स्लाइड्स में हम यूनानी पैथी के साथ साथ पैरेलल कैसा यूज करेंगे वो भी देखेंगे। डॉक्टर साजिद बताएं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम मैडम। मेरा एक क्वेश्चन था कि भाई अकुपंचर सिस्टम जो है फॉर ट्रीटमेंट, ये इसको कैसा आप देखती हैं, समझो आपके नजरिए से? कौन सा सिस्टम? अकुपंचर, अकुपंचर, एक्यूप्रेशर। हाँ, उसकी स्लाइड बनी हुई है, अभी मैं बोलती हूँ डॉक्टर आनस को कि ये जो स्लाइड शो है आपके ग्रुप में डाले, ताकि आप लोग ये लेक्चर अटेंड करने के पहले भी इसको ये करें। जी ठीक है, उसका उसका आ जाएगा ना, तो उस वक्त पूछेंगे। अभी हमने इंट्रोडक्शन लिया है आयुर्वेद वाला, तो मुझे ऐसा लगता है आयुर्वेदिक जो चीजें है, आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जो चीजें है, उससे रिलेटेड अगर किसी को कुछ पूछना है, जो शॉर्ट इंट्रोडक्शन आयुर्वेद का हुआ उससे रिलेटेड पूछिए। बाकी सारे पैथीज जो 72 स्लाइड्स है, जितने पैथीज पूरे दुनिया में यूज हो रहे हैं, उसका सबका मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। अभी तो सिर्फ आपने आयुष वाला स्टार्ट में देखा है। डॉक्टर सैफी बताएं, एम के सैफी, कुछ पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर एम के सैफी? डॉक्टर खान वाजिद जी, मैम अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी मैम, मैं पूछ रहा हूँ अपने यूनानी में जैसे खून खून बलगम सफरा सौदा जी चार चीजें हैं, तो आयुर्वेदा में ये सफरा कौन सा है और बलगम कौन सा है, उसको कैसे अपन उनके सिस्टम में वो लोग हमारे जैसे रिकॉग्नाइज ही नहीं करते ना, वो खाली त्रिदोष मानते हैं। तो त्रिदोष को उन्होंने, उनका जो बीएएमएस का कोर्स है वो भी तो 5 साल का है बेटा, 5 साल उन्होंने भी ये चीजें सीखने में घलाई है। हम लोग उनके सिस्टम को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, मतलब हमारा गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर रहा, तो हम उनके सिस्टम को समझने की एक छोटी सी कोशिश है। अगर इसको इतना डिटेल आप कोरिलेट करेंगे तो एक इसके कई रिसर्च हो चुके हैं, लोगों ने इसको कई चीजों को कंपेयर भी किया है, तो बहुत बड़ा टॉपिक है। तो जैसा हम पित्त है तो उसको सफरा के साथ कोरिलेट कर सकते हैं, वात है तो इस चीजों को हम कोरिलेट कर सकते हैं, लेकिन उनका अपना एक बेसिक जो है वो अलग है, हमारा बेसिक जो है अलग है। तो उसको कोरिलेट करने के लिए बहुत सारे थीसिस लिखे हुए हैं, आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हो। हम लोग ये चाहते हैं कि उनकी जो अच्छाइयां है जो हम यूज कर सकते हैं, तो वो फॉर एग्जांपल मैंने क्षार सूत्र की बात की है, तो जितना अच्छा उनका क्षार सूत्र है, ये आयुष पैथी में कहीं पर भी इतनी अच्छी चीज नहीं है, तो उसको मैंने इंट्रोड्यूस करने की, हाईलाइट करने की कोशिश की हो। हम अपने पैथी में एक्सपर्ट होके बाकी पैथी की क्या नॉलेज हम हमारे पेशेंट के लिए, यानी इंडिविजुअल पेशेंट को आप रिकॉग्नाइज करो कि इस पेशेंट को आपको इलाज क्या करना है, तो आपके पैथी के अंदर जो लिमिटेशंस है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पैथी में लिमिटेशंस है, इसके आगे हम इसका इलाज जो है किसी और पैथी के हेल्प से कैसा कर सकते हैं, ये मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आपको। तो हमका किसी पैथी के साथ जो कंपैरिजन है वो वर्ड टू वर्ड सेम होता तो वो पैथी अलग ही नहीं होती ना, हमारी पैथी उनकी पैथी में कुछ फर्क है, यही तो हमारा डिफरेंस है ना। इसको हम अलकमर दवा खाना, अलकमर दवा खाना, डॉक्टर आलम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, बोलिए जी। मैम बहुत अच्छा आपका लेक्चर लगा, बहुत ही मोटिवेशनल लगा। सबसे बड़ी चीज ये आपने बताई कि हम कहाँ हैं और आयुर्वेद कहाँ है, इसका सिनेरियो जो आपने थोड़ा सा हाईलाइट दिया है बहुत अच्छा लगा, और हम सबको अपने ज्ञान के लिए सोचने की गौर फिक्र की जरूरत है, और इसमें माशाल्लाह जब तक ये नहीं करेंगे आप आगे का सोचेंगे नहीं ना। या मैम, और मेरा ख्याल जहाँ तक है डॉक्टर अजमल साहब पूरी लगन से पूरी मेहनत से यूनानी को फरोग देने के लिए कोशा है, और हम लोग भी इंशाल्लाह इसमें साथ दे रहे हैं और आगे भी इंशाल्लाह देंगे। बहुत अच्छा लगा, और हम सबको एक चीज गौर फिक्र की जरूरत है कि हम अपने पैथी को कहाँ तक ले जा सकते हैं, कहाँ ले जाए ये। इसी के लिए मैं एक रिक्वेस्ट डालना चाह रहा हूँ कि जो भी लेक्चर हो उसमें ये चीज यूनानी को फरोग के लिए थोड़ा सा मोटिवेशनल उसको जरूर ऐड कर ले मैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मोटिवेशनल डॉक्टर अनस अब्दुल्ला, ये जो हमारा शुरुआत का जो वो होता है सफरा, तो उसको भी ऐड कर लिया करें इन्होंने, इसलिए हमारी
शायद तस्दीक करिए कि डॉक्टर अलाउद्दीन का शुरू के जो दो लफ्ज हैं वो भी ऐड कर लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तो डॉक्टर तौसीक रजा। अस्सलाम सर। वालेकुम मैम। हाँ जी मैम। मैम आप शुरू शुरू में बोले कि वहाँ पे दिखाया है कि आयुष सिस्टम में जो होम्योपैथी मेडिसिन आपके यूपी में लोग सेकंड नंबर पे ले रहा है, तो मैम उसका वजह ये हो सकता है ना मैम, उसका जो रूट ऑफ जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स है मैम, उन लोग का इजी है शायद। जो हम लोग का जो ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन इतना इजी नहीं है, वो लोग जानवर तक का दवा देते हैं, सेम दवा को जानवर तक। हम लोग को हमारी मेडिसिन ही मालूम नहीं ना बेटा अभी तक। हम लोग के इधर भी जो ओरिजिन जो है, अभी आगे आप अगर अभी अनस अब्दुल्ला आपका शेयर करेंगे पीपीटी, आगे आने वाले होम्योपैथी का इंट्रोडक्शन है उसमें भी आप देखेंगे, बाकी सारे पैथीज का जो इंट्रोडक्शन है, तो हर एक का अपना एक यूनिकनेस है, कुछ ना कुछ है, इसीलिए तो गवर्नमेंट ने उनको रिकॉग्नाइज किया है। बात किए थे पब्लिक एक्सेप्टेंस की, यानी पब्लिक ने एक्सेप्ट किया है उस मेडिसिन को अलग से, यानी पब्लिक जाती है खुद बोल के कि हमको मॉडर्न मेडिसिन नहीं चलती है, हमने होम्योपैथी लेना शुरू किया, हमको आराम हुआ। तो ये पब्लिक ने जो एक्सेप्ट किया है यूपी के, तो ये बड़ी बात है। नंबर टू पे होम्योपैथी को एक्सेप्ट किया है पब्लिक ने, तो हमारा कंपटीशन है इन लोगों के साथ कि हमारा एक्सेप्टेंस पब्लिक में बढ़ाना है। हमको खुद को अपनी पैथी पहले मालूम होगी, तभी तो आप पब्लिक को बताओगे कि आपके पैथी में क्या है। तो जो भी है जी, ये आपने जो इम्पोर्टेंट मैम ने बताया आपको, पब्लिक एक्सेप्टेंस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर प्रमोशन ऑफ यूनानी। मतलब आप आपके क्लिनिक से जो पैगाम जाएगा पब्लिक तक, और पब्लिक से जो जाएगा गवर्नमेंट तक, ये इम्पोर्टेंट थिंग है मैम। क्यों? यस यस यस। वन मिनट मैम। बट जो हमारे गांव में जो एक होम्योपैथी है, वैसे ही वो लोग आया है कहीं सीख के, बट वो लोग इंसान से लेकर जानवर तक का दवा देते हैं ये चीज बहुत, इसलिए कुछ भी हो जाता है तुरंत चले जाते हैं। देखिए एक एक चीज है, इसके पहले हम लोग क्या करते थे, बड़े से बड़े डॉक्टर की तरफ जाते थे, यानी लोग शहरों की तरफ भागते थे कि ये बीमारी हो गई बड़े डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ये बीमारी हो गई बड़े डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक है, गाँव के लोग क्या करते हैं, शहर की तरफ जाते हैं, बड़े बड़े पीजीआई में एडमिट करना है क्योंकि वहां हर पैथी का हर चीज का इलाज होता है, ऐसी जगह जाने का इंसान कोशिश करता था। एक जमाना अभी ऐसा आया है कि शहर के लोग है एक गांव की तरफ जाते हैं नुस्खे ढूंढने के लिए। कोई ऐसा जाता है कि कोई जंगल में जाता है कि मैंने एक जड़ी बूटी के बारे में उस बुक में पढ़ा था, अब मैं वो जड़ी बूटी ढूंढने के लिए किसी गांव के पास जाता है, किसी आदिवासी के पास जाता है, उसके साथ डिस्कस करता है। कई लोग ऐसे है जो डॉक्टर नहीं है लेकिन उनको ऐसी कोई जड़ी बूटी मिली है कि उनके सामने आप देखेंगे 500 लोगों की लाइन लगी हुई रहती है, और वो दवा बना के देते, केले के अंदर एक पाउडर डाल के खाओ, 6 दिन में आपका ह्यूमराइड जो है वो सही हो जाएगा। और होता भी है बहुत सालों का, होता भी है क्योंकि उन्होंने उस पर्टिकुलर दवा को लेके उसके ऊपर स्टडी किया है और उसको हजारों लोगों को अप्लाई किया है। 1000 लोग उनके पास जाएंगे तो उसमें 100 लोग जो अच्छे होते हैं वो सब तरफ उनका प्रोपोगंडा करते हैं, अरे वो मेडिसिन अच्छा है अच्छा है, लेकिन जो 900 लोग फेल हो गए उसका कोई डाटा नहीं है। ये भी तो बातें होती है जो रिसर्च के लिए, जो आपको मॉडर्न मेडिसिन वाले जो है आपके साथ हमेशा पंगा जो होता है कि आपके इन चीजों का कोई रिसर्च नहीं है। तो ये आप जो हेमराइड वाला बोले ना मैम, मेरे जैसे घर के बाजू में है वो अंकल है, तीन बस तीन टाइम देते हैं खत्म हो जाता है, तो क्या होगा वो मैम, वो शायद वो मेडिसिन किसी को बोलते नहीं है। वही तो मैं बोली ना, इसका कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, इसका कोई रिसर्च अवेलेबल नहीं है। तो आप क्या, बाजू में अंकल है, आपने वो पूरी को लेकर आना है उनके पास के किसी फार्मेसी में जाके एनालाइज करके देखना है कि उसके अंदर है क्या, फिर उसका आप मेडिसिन कैप्सूल फॉर्म में एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बना सकते हो। अगर कोई इतनी अच्छी मेडिसिन अंकल को मिली है तो वो अंकल वो अपने राज सीने में छुपाए क्यों रखे है, क्योंकि वो सबको नहीं, अंकल चाहते कि लोग उनके पास आए। बहुत सारे वैद्य हकीम का यही हाल है कि ये अपना डाटा जो है पब्लिश नहीं करते हैं, पब्लिक को नहीं बताते, क्योंकि वो ब्रेड एंड बटर भी है उनका, या फिर कुछ लोगों को एक प्रसिद्धि जो बोलते हैं हमारा ये जो है होना चाहिए, मेरे नाम पे होना चाहिए, ये सब पूरे दुनिया को उसका स्टडी नहीं होना चाहिए, ये जो मेंटेलिटी है उसकी वजह से ये चीजें जो है उसी इसमें महदूद रही है। तो अभी उसके लिए आपको अगर वो मेडिसिन लेना है, उसको जाके एनालिसिस करना है, तो आपको मालूम पड़ेगा उसके अंदर क्या है। हम बैठ के अंदाज क्यों लगा, हमारे पास इतना सिस्टम है, इतना साइंस एडवांस है, तो आप किसी पैथोलॉजी में जाके एनालिसिस कीजिए ना कि उसके अंदर क्या है।
ओके मैम, हाँ तो जड़ी बूटी की पहचान भी हो जाएगी आपकी। जी ये जो इम्पोर्टेंट चीज आपने बताई कि यूनानी पैथी और एलोपैथ में अनसीन और सीन, दो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने बहुत, मतलब एक मेजोरिटी लेवल पर बात करने के लिए इसका भी एक बहुत, मतलब एक एक लेक्चर एक अलग से भी रखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट चीजें। यूनानी पैथी इज अनसीन पैथी, क्या क्या ये ठीक है मैम? ये क्वेश्चन, मतलब ये यूनानी पैथी इज अनसीन, और अनसीन मतलब हम रूह का भी इलाज कर रहे हैं ना, हम होलिस्टिक अप्रोच के लिए अनसीन वर्ड यूज किए हैं। हम सिर्फ उसके बॉडी का यानी स्कोपी करके उसका हार्ट देखे, 2D इको करके हार्ट के मेजरमेंट निकाले, ओके ये हुई सीन पैथी। हम उसके आगे रूह का इलाज कर रहे हैं, उसके मेंटल साइंस का इलाज कर रहे हैं, हम होलिस्टिक इलाज कर रहे हैं, हम सिर्फ गायनेकोलॉजी पैथोलॉजी कार्डियोलॉजी ऐसा इलाज नहीं कर रहे, इस हिसाब से सीन अनसीन वर्ड यूज है वो। अच्छा अच्छा, मोहम्मद इकबाल साहब मिस्टर मोहम्मद डॉक्टर मोहम्मद इकबाल डॉक्टर तजीम सुनती, अस्सलाम वालेकुम मैम। हाँ वालेकुम अस्सलाम मैम। तजीम सुनती आपकी स्टूडेंट है, बहुत सालों बाद आपको देखे बहुत अच्छा लगा। कहाँ से पुणे से मैम? पुणे में मैम, ZVM। ओके ओके, कौन से ईयर में पास आउट हो? 2011 सबा फराह की बैच। यूनानी के लिए अभी कोशिश देख रहे हैं, जब हम लोग पढ़ रहे थे उस वक्त नहीं था, तो आप अभी टीचिंग फील्ड में ही है माशाल्लाह। एक ही रिक्वेस्ट करनी थी कि जो भी न्यू जनरेशन आ रही है, मतलब जो फर्स्ट बैच होती है यूनानी की, अगर हम लोग को उस वक्त ही मोटिवेशन मिल जाए कि हमारी इसीलिए बनाया था मैंने ये लेक्चर, मैंने हाँ। अपने कॉलेज में न्यू बैच को प्रेजेंट किया है। अब कल थोड़े सी अनबन जो इसमें चल रही थी हमारे इसमें, कुछ लोगों को लग रहा था चैलेंज था उनका कि ग्रुप में से कोई इसको ट्रीट करके दिखाए, तो वो लैंग्वेज थोड़ी सी गलत थी, तो मुझे ऐसा लगा कि लोगों को बाकी पैथीज भी इंट्रोड्यूस कराया जाए, किसी को तकब्बुर ना हो, अपना नॉलेज का भी एक तकब्बुर होता है, लोगों को ये लगने लगता है कि मेरे से ग्रेट कोई नहीं, मैं हर चीज का इलाज कर सकता हूँ, तो ये भी एक वजह थी मेरा ये टॉपिक सिलेक्ट करने की। और ये लेक्चर मैंने लिया था, ZVM में भी लिया था और हमारे STT में भी लिया था, जो फर्स्ट ईयर का बैच का एडमिशन होता है, तो आयुष ने गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है कि बच्चों को इसका इंट्रोडक्शन किया जाए, बस आप जो डॉक्टर हो चुके हैं इसलिए मैंने इसके अंदर डिटेल बढ़ा दिया है, बच्चों को खाली बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, तो ये लेक्चर अभी कंपलसरी है 15 दिन का कंपलसरी। जी जी, वापस यूनानी की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत मुश्किल हो जाता है मिजाज को आइडेंटिफाई करना। नहीं नहीं, आप थोड़ा थोड़ा इसमें आ जाइए, और ये जो हेल्दी वेब है इसका यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, इसके पहले जो आपके लेक्चर छूट गए हैं ये सारे लेक्चर आप देख सकते हैं एनी टाइम एनी वेयर। वो क्या लेक्चर चलते रहता, आप खा रहे हो पी रहे हो, दोपहर में लेट गए हो, तो 15-15 मिनट के छोटे छोटे वीडियोज जो है ऑडियोज जो है वो सुनो आप, अजमल सर के सारे ये हेल्दी वेब में अपलोड किए है, आप उसमें सुनोगे तो आपको ये सारी चीजें जो है, जो उसमें से बहुत सारी चीजें रिवाइज होते चले जाएगी। अब उस वक्त हमने नहीं पढ़े, हमारे कॉलेज लाइफ में नहीं पढ़े हैं, सबको ये फर्स्ट ईयर में अरेबिक मंतिक फलसफा ये जो रहता है, हालांकि उस एज में वो बच्चा उतना मैच्योर नहीं है ये चीजें समझने, इतना एनाटोमी फिजियोलॉजी अरेबिक मंतिक लोग उतना सीरियसली नहीं लेते हैं, इस वक्त जैसे वो एक बेसिक छूट जाता है, वो रिकवर करने की हेल्दी वे कोशिश कर रहा, बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत कामयाब कोशिश चल रही है, इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं तो बहुत अच्छी कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। एक लास्ट पार्टिसिपेंट हमारे हैं डॉक्टर मोहम्मद महफूज साहब, जी पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद महफूज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है मैम। आपने स्लाइड शो की थी तो उसमें एक पॉइंट था कि मॉडर्न मेडिसिन जो है वो एक्यूट इलनेस के लिए, और यूनानी जो है वो क्रोनिक इलनेस के लिए। नहीं तो सिर्फ नहीं, उसके आगे दूसरा भी वर्ड था ना, ज्यादातर। तो मैं ये पूछ, मतलब ये एनालाइज करने की कोशिश कर रहा था बहुत सालों से कि क्या ऐसी परेशानी है कि एक्यूट इलनेस होती है तो खैर वो मॉडर्न में जाते ही है, और कभी मेरे पास भी आता है तो उसको मॉडर्न ही से इलाज होता है, नजला खांसी जुकाम टाइफाइड मलेरिया जी।
मतलब क्रोनिक इलनेस जैसी होती है, आर्थराइटिस हो गया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया, जो उसके जो है क्या कहते हैं कैंसर हो गया, जितनी भी क्रोनिक इलनेस जैसे ही उसको पता चलती है फिर भी वो मॉडर्न की तरफ चला जाता है, जी तो ऐसा क्या परेशानी है जो नहीं, तो ये ना पब्लिक एक्यूट एक्सेप्टेंस में आ है, रहा है? जैसा पब्लिक देखती है वैसा पब्लिक फॉलो करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास में एक्यूट अस्थमेटिक अटैक वाला पेशेंट आया, तो आप क्या करेंगे? उसको नेजल स्प्रे देंगे, या फिर उसका जो पफ मेडिसिन है वो देंगे, या फिर एड्रेनलिन का इंजेक्शन देंगे, इस टाइप का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। क्योंकि वो पेशेंट सांस लेने में उसको इतनी तकलीफ है कि आप उस वक्त कोई भी यूनानी ट्राई करने की कोशिश भी नहीं करेंगे, आप खुद भी या पेशेंट मेरे पास आया तो ये क्या हुआ, एक्यूट स्ट्रेस उसका है, यानी उसको 2 से 3 मिनट में रिस्टोर आपको करना है। ओके, उस वक्त आप अच्छा ये सिस्टम नहीं यूज कर सकते कि इसका सफरा बड़ा है, या तो इसमें आपको 2 चीजें हैं, जैसा मिजाज होता है, एक जो मर्ज होता है, एक मर्ज सादा होता है, एक मर्ज मादी नहीं होता है। सॉरी मैम, मैं मैं बस हाँ ये पूछने की बस कोशिश कर रहा हूँ कि एक जर्नल पेशेंट जो है जिसको ये पता चलता है कि मुझे डायबिटीज है या हाँ मुझे कैंसर है, तो वो क्यों मतलब यूनानी की तरफ ना आके वो सीधे फिर मॉडर्न पे चले जाता है, तो क्रोनिक इलनेस हम कैसे ट्रीट करेंगे, तो वही या तो मैं ऐसा बोल रही क्यों कि हो ये रहा है? पेशेंट एक्यूट कंडीशन में आपके पास आया, मैं क्या बता रही हूँ, पेशेंट एक्यूट कंडीशन में आपके पास आया, आपने कैसा ट्रीट किए उस हिसाब से पेशेंट उसके तरफ जाता है। आपने एड्रिनलिन दिया तो पेशेंट सोचता है कि डॉक्टर यूनानी है, लेकिन इसने मॉडर्न मेडिसिन दिया, इसका मतलब यूनानी में एक्यूट इलाज नहीं है। पेशेंट की मेंटरिंग कैसी हुई? आपकी मेरी मेंटरिंग भी अब तक ऐसी थी कि जब तक मुझे उस एक्यूट चीज का यूनानी इलाज नहीं मालूम था। तो वही मैं एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रही हूँ कि कोलैप्स है उसका ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री, आपके पास आया पेशेंट, इस वक्त आप क्या करेंगे? इस वक्त आपके पास यूनानी मेडिसिन नहीं है, लेकिन कुछ थेरेपीज है, कुछ पॉइंट्स है जिसको मर्म पॉइंट बोलते हैं आयुर्वेद वाले, और कुछ मसाज और इसकी कपिंग वाली थेरेपी है आपके पास। ये जो आप देखेंगे वर्टिब्रा प्रोमिनेंस है, ठीक है, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, इसके दोनों तरफ के पॉइंट को आप अगर 5 किलो का दबाव देते हैं तो आने वाले 3 मिनट में ट्रेक्यो ब्रैंकियल ट्री जो कोलैप्स हुआ है ये ओपन हो जाता है। इस वक्त जो मेरे पास बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर कोई ग्रुप में इस वक्त ज्वाइन किया पता नहीं, इन लोगों को ये पर्टिकुलर पॉइंट मैं अप्लाई करने लगाती हूँ कि अगर पेशेंट आया तो आपको इस पॉइंट को अप्लाई करके देखो कि आपको रिजल्ट कितने मिनट में मिलता है। तो पेशेंट भी देखता है कि मैंने एड्रेनलिन लिया तो मुझे 15 मिनट लगे, और इस प्रेशर पॉइंट से मैं 5वें मिनट को ओके हो गया, और वो प्रेशर पॉइंट आप अगर आपके उसके रिलेटिव को भी बताते हैं तो ये पेशेंट आपका हो गया। पेशेंट को मालूम है कि आपके पास एक्यूट कंडीशन में जाने के बाद भी इलाज है, आप उसको रिफर नहीं किए, ये पेशेंट की मेंटरिंग होती है। तो वही मैं ये 72 स्लाइड में बताना चाह रही हूँ कि सिर्फ मेडिसिन से इलाज नहीं करती है यूनानी पैथी के पास, कुछ और भी तरीके हैं जिससे एक सिस्टम को कंप्लीशन मिलता है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दी, तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स आने वाले स्लाइड्स में जाएंगे। अच्छा मैम, एक चीज और पूछना चाह रहा था, जैसे जी आपने इसमें शो किया कि यूनानी चीपर है, तो हाँ इन जनरल मैं देखता हूँ कि अगर नजला जुकाम बुखार का इलाज करने आया तो एलोपैथिक उसको चीपर पड़ती है, यूनानी में एक शरबत तो आप एक मेडिसिन ही देख रहे हैं, लौंग। तो फिर घूम के वही पॉइंट पे आ गई हूँ मैं कि आप सिर्फ मेडिसिन ही देख रहे हैं, सिर्फ मेडिसिन से ही इलाज नहीं होता है, और भी इलाज के और पहलू यूनानी के जो है अनसीन रह गए हैं, हमने उनको साइड में रख दिया है, हमने उसको इस्तेमाल नहीं किया है। तो नजला जुकाम में आप सरजम की अगर इसको भाप लेने बोलते हैं तो 3 CPM खाने के बाद जो इफेक्ट आता है वो एक वक्त सरजम के भाप में आता है। जब ये पेशेंट खुद देखेगा तभी वो 3 CPM के मेडिसिन से वो कंपेयर करेगा आपके सरजम को। अच्छा वही बात है कि आपने मेडिसिन जो अप्लाई किया है, आपने अगर बहुत बड़ी बड़ी मेडिसिन मर्ज सादा के लिए यूज किए है तो वो भी तो आपका जो सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन है वो भी एक अलग पैथी है, वो आपको कौन से कितने सीवियर स्टेज में कितना सिलेक्शन करना है वो बड़ी बात है ना। आपने अगर उसको खाली सब्जम की भाप लेने बोलो, या फिर 1 कप पानी गर्म करे 2 कतरे सब्जम के डाल के पीने बोलो, वो जो थ्रोट क्लियर होता है आप खुद एक बार उसको करके देखिए, तो आपको वो जो लोजन 4 खाने के बाद जो क्लियरेंस आता है अगर वो एक बूंद सब्जम में आता है तो आप बोलेंगे सब्जम की प्राइस या कॉस्टिंग जो है बाकी से कम है, आपने जो मेडिसिन यूज किया है। तो वही ना, आपका डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है कि अगर आपने ये बोल दिया कि मिजाज जो है मिजाज तक जाने की जरूरत नहीं, मर्ज सादा है, इसके अंदर कोई मादे का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, सादा मर्ज है सादा इलाज करो, मादी मर्ज है मादी इलाज करो, इस चीज के लिए है।
जैसा अभी प्लेटलेट्स के लिए पेशेंट आता है आपके पास, 20,000 जब तक प्लेटलेट्स कम नहीं होते आपके पास पेशेंट आता ही नहीं है। जब 20,000 होंगे, अरे मॉडर्न मेडिसिन काम नहीं कर रहा, चलो जरा पपैया के पत्ते चूस के देखते हैं। तो ये कंडीशन में भी पेशेंट उस वक्त आता है जब वो कंपेयर करता है, तो वो पेशेंट आपका हो जाता है। अच्छा मैम, ये कब होगा कि पेशेंट को कोई क्रोनिक इलनेस हो, वो डायरेक्ट यूनानी के पास आए? आपके खुद की उतनी ये हो जाएंगी भाई, आप जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे। नहीं मैम, क्या नहीं, इंडिविजुअल प्रैक्टिस तो आदमी कर रहा है, उसकी कोशिश भी कर रहा है जी। क्या कुछ लैग है, क्या कुछ ऊपर से सिस्टम को चलाने का कुछ लैग हो रहा है? सिस्टम का चलाने का जैसा सिस्टम, फॉर एग्जांपल मैं तो अभी जिस तरह से मैम कुछ रिसर्चेस होती हैं, क्योंकि मॉडर्न जो मेडिसिन है वो रिसर्चेस एंड जो है क्या कहते हैं, जो एविडेंस है उस पे बेस है, कि आपने ये शो कर दिया कि ये मेडिसिन मेरी इतनी परसेंट इफेक्टिव है जी, तो वो मास में आप उस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। वो ऊपर से इतना लोगों के मन में बैठ जाएगा कि ये रिसर्च हुई, ये 1000 लोगों में ये रिसर्च हुई, और यूनानी की ये मेडिसिन की रिसर्च हुई, और इसने शुगर को इतने परसेंट कम किया, टाइप 2 डायबिटीज में इतने परसेंट कम किया, तो उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो मास लेवल पे ऊपर से बढ़ गई, तो आपके लिए बड़ी आसानी होती है कि लोगों को मोटिवेट करना। तो क्या ये कमी हो रही है हम लोग से या ऊपर से बैठे लोगों से, कि रिसर्चेस जो मेडिसिन में हो रही है? रिसर्चेस अभी हमारे पास जो है पीजी, हेलो, रिसर्च प्रेजेंट करना ही करना है। हेलो, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर गजाला फ्रॉम पुणे जी। हाँ, ये अभी जो सर ने बात की कि रिसर्च की बात की है, तो इसमें मैं सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी कि हम जब ये कहते हैं ना कि रिसर्च होनी चाहिए या ऊपर से होनी चाहिए, तो मेरा ये मानना है कि अगर हम एक इंडिविजुअल स्टडी लेते हैं, यानी एक सिंगल केस स्टडी भी अगर हम लेते हैं, से अगर कोई किसी ने समझो ब्रेन ट्यूमर कैंसर पे अगर कोई अच्छी केस स्टडी है, या एनी कैंसर पर, या अगर सिंपल भी कोई एक केस स्टडी हम लेते हैं, से रूमेटॉइड आर्थराइटिस की भी अगर हम कोई केस स्टडी लेते हैं, और उसका प्रॉपर जो मतलब इन्वेस्टिगेशंस की रिपोर्ट्स है, और बाकी के जो रिपोर्ट्स है, और जो फॉलोअप के जो हमको चेंजेस मिलते हैं, अगर हम वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके अगर हम सिंगल केस स्टडी भी कोई अच्छी जर्नल में पब्लिश करें, देखिए आप कहाँ पर पब्लिश कर रहे हैं आपके रिसर्च, उस पर भी बहुत फर्क पड़ता है कि अगर आप एक अच्छी जर्नल में पब्लिश करें, और वो जो पेपर्स है बिफोर एंड आफ्टर स्टडी के, अगर आप आपके क्लिनिक में भी डिस्प्ले करते हैं लोकल लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में, आपके पास फ्लो ऑफ पेशेंट कैसा है उस पर, तो ये सिंगल केस स्टडीज भी आजकल एक्सेप्टेड है, और वो फेमस होती है, और उसी बेसिस पे हमारी यूनानी का प्रोपेगेशन होगा। देखिए एक चीज होती है पॉलिसी मेकिंग अपर लेवल पर होती है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर बीइंग अ यूनानी फिजिशियन हम उसको कितना फायदा उठाते हैं। हम ये कहते हैं जैसे अभी अलाउद्दीन सर ने बहुत मतलब एफर्ट किए, बहुत ज्यादा मेहनत किए, और अच्छे अच्छे स्पीकर्स को वो बुलाकर यहाँ पर लेक्चर्स देते, लेकिन हम फेल क्यों हो रहे, क्योंकि बीइंग अ यूनानी फिजिशियन हमको खुद हमारी पैथी पे भरोसा नहीं है, और हम खुद उसको प्रैक्टिस नहीं करते। अभी अजमल जो है वो बहुत सारे अपन हमको सबको नुस्खे बता रहे हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं ना कि यू कैन टेक द हॉर्स टू द पॉन्ड बट यू कैन नॉट मेक हिम ड्रिंक वाटर। उसी तरीके से जब तक मराठी में कहा जाता है कि स्वतः मेल्या शिवाय स्वर्ग दिसत नाही, जब तक हम खुद नहीं मरेंगे हमको जन्नत क्या चीज है नहीं मालूम पड़ेंगे। तो उसी तरीके से जब तक हम यूनानी फिजिशियन, एक एक फिजिशियन जब तक यूनानी प्रैक्टिस करना नहीं शुरू करेगा, ये आम लोगों तक नहीं पहुंचेंगी, क्योंकि हमने पूना में किए, हमने 2004 से 2007 से शुरू किए, तो हमको तो पूना के लोगों को ये बताना पड़ता था कि यूनानी क्या है, और आज ये हालत है कि हमारे पास जहाँ पे संध्या रहती थी कोथरूड एरिया में, वहां के पेशेंट फ्रोजन शोल्डर के लिए हमारे पास आते हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। और हमने कभी ये लोगों से नहीं कहा मेडिसिन देते वक्त कि ये आयुर्वेदा है। होता क्या है मैनू, जब हमारे पास हम नई नई प्रैक्टिस शुरू करते हैं, या हम अभी एक दो यूनानी दवाई दे रहे, और पेशेंट ये पूछेगा कि ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है, हम बोलते हैं हाँ हाँ ये आयुर्वेदिक है ले लो, हमको ये कहना है कि ये यूनानी मेडिसिन है, तब पब्लिक में अवेयरनेस आएगा। जब तक आप आपकी क्लिनिक पे यूनानी दवाई नहीं रखेंगे, यूनानी दवाई प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, हमारी प्रैक्टिस कैसे आगे बढ़ेंगे? सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, गवर्नमेंट थोड़ी प्रैक्टिस कर रही है, और गवर्नमेंट पेशेंट को अवेयरनेस लाने के लिए हमारी जिम्मेदारी है।
तो अगर हम रिसर्च की भी बात करेंगे ना, तो रिसर्च बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, या उसमें बहुत बड़ी बड़ी लैब की जरूरत नहीं है। आपके पास सिंपल इन्वेस्टिगेशन तो आप कराते हो ना, HbA1c आप पेशेंट का कराते हो, 3 महीने आप अब तक कोई दवाई दे दिए और 3 महीने के बाद उसका HbA1c देखिए, बाकी के उसके पैरामीटर्स देखिए, और वो एक सिंगल केस स्टडी आप पब्लिश कीजिए। और जब आप वो पब्लिश करेंगे तो ही लोगों में और साइंटिफिक वर्ल्ड में भी आपका एक्सेप्टेंस होगा और आम पब्लिक में भी होगा। आम पब्लिक को रिसर्च से मतलब नहीं है, उनको तो ये मतलब है कि आज मैं दवाई खाऊं और कल काम पे चला जाऊं, या सुबह में खाऊं। अगर मजदूर तबका है तो बेचारा ये सोचेगा कि शाम में मैं मेडिसिन खाऊं और सुबह काम पे चला जाऊं। तो हमारे यूनानी में भी ऐसी दवाएं हैं जो इतनी कारगर है और अच्छी है। तो इसलिए अगर हम सिर्फ कलेक्टिव एफर्ट करें, मैं किसी को दोष नहीं दे रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि हम सब यूनानी फिजिशियन ये तहिया कर ले कि हम 4 या 5 दवाएं तो जो है वो हर बार यूनानी की देंगे, या कुछ मेडिसिन और कुछ डिजीजेस सिलेक्ट कर ले कि उसमें हम सिर्फ और सिर्फ यूनानी देंगे। और हम कितना मतलब हमारी कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी है कि हम पेशेंट को कन्विंस करें और वो दे, तभी हमारे यूनानी का फरोग होगा। अदरवाइज पॉलिसीज बनते रहेंगे, गवर्नमेंट बोलेंगे, जब पब्लिक एक्सेप्टेंस नहीं है। पब्लिक एक्सेप्टेंस कब आएगा? जब हम प्रिस्क्राइब करेंगे और हम पेशेंट को कन्विंस करेंगे। तो ये एक मेरी छोटी सी मतलब ओपिनियन था अबाउट दिस। थैंक यू। थैंक यू गजाला। थैंक यू मैम। एक चीज और कहना चाह रहे हैं जी, बीइंग ए यूनानी फिजिशियन मैम, ये एक्सेप्ट करता हूँ मैं अपनी पर्सनल जिम्मेदारी को, और जो एक्सेप्ट करेगा वही सोचेगा, वही पूछेगा जी। तो जैसे एक यूनानी फिजिशियन है, अगर बहुत अच्छा चल रहा है तो उसके पास टाइम नहीं है, और अगर नहीं चल रहा है तो उसके पास पैसा नहीं है। आप ये समझ लीजिए, आप किसी भी मॉडर्न मेडिसिन में जो फार्मेसी होती है, जो उनकी जो फार्मा कंपनीज होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हैं रिसर्चेस के लिए। तो क्या हमारी जो जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो केवल दवा बेचने के लिए है, रिसर्च में सपोर्ट करने के लिए नहीं है क्या? अगर इंडिविजुअल यूनानी फिजिशियन एक अच्छा यूनानी फिजिशियन है, उसके दिमाग में आइडियाज हैं, तो क्या वो ऐसा प्रोग्राम नहीं ला सकते हैं कि आप अपनी क्लिनिक पर रिसर्च करिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे? तो मैं मतलब बेसिक फंडामेंटल जो है, जो मतलब मॉडर्न ने यूज करके बहुत आगे बढ़ा, तो वो अगर चैनल हम यूज करके अपने यूनानी को आगे बढ़ा सकते हैं, तो मेरे ख्याल से एक ही शब्द यूनानी करो, यूनानी करो, यूनानी करो, उसके साथ अगर हम इन सब चीजों को जोड़ लेते हैं तो बहुत अच्छा इफेक्ट समाज पे आएगा, लोगों को उससे बहुत ज्यादा हिम्मत मिलेगी, जो बच्चे हैं या हम लोग हैं वो रिसर्च वर्क में जाने की कोशिश करेंगे। तो क्या ऐसा हो रहा है या ऐसा कोई प्लान है किसी फार्मा कंपनी का? तो वो yes, आपने जो अभी ये पॉइंट आउट किया, इट इज अ वेरी गुड पॉइंट एंड वैलिड पॉइंट। तो हम क्या कर सकते हैं, अगेन अगर मैं समझो 4 या 5 पेशेंट का डेटा, बाकायदा अच्छा डेटा कलेक्ट करके अगर मैं कोई बड़ी कंपनी को अप्रोच करूं, अभी तक मैंने भी नहीं की, थैंक यू ये पॉइंट आउट करने के लिए। तो हम कोई अच्छी कंपनी को ये करे, हर्मस को करे, हमदर्द को करे, दहलवी रेमेडीज को करे, जितनी भी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज है, हम उनसे अप्रोच कर सकते हैं। और अगर हम उनसे अप्रोच करेंगे तो मे भी वो हमको देंगे। एक होता है मल्टी सेंट्रिक स्टडी, तो अगर मतलब कोई एक डिजीज पर अगर हम उनका ही कोई प्रोडक्ट ले ले, अगर हम उनका ही कोई प्रोडक्ट ले, जैसा अजमल की हब्बे शहमीनो जो है, उसका मैंने यहाँ पर हमारे स्टूडेंट को पूरा लिपिड प्रोफाइल पे MD स्टूडेंट को हमने थेसिस दिए थे उस टॉपिक पे। फिर डॉक्टर सुफियान की जो जीवन सिरप है वो उस पे हमने बाकायदा एनिमल स्टडी करके, और एक स्टूडेंट को पूरा MD उसने उसकी थेसिस उसी जीवन पर है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो कॉलेजेस में MD हो रहा है, हम कंपनी को अप्रोच करें और उनका एक कोई प्रोडक्ट ले, और वो बच्चा उस प्रोडक्ट पे पूरी थेसिस लिखे, और वो जो मेडिसिन 40-50 पेशेंट को देनी होती है वो कंपनी पेशेंट को दे, और वो बच्चे का भी बर्डन कम हो जाएगा उसके MD करने के लिए। तो उनके पास ये विन विन सिचुएशन होंगी, स्टूडेंट की थेसिस तैयार होंगी और जो कंपनी है उनको एक डेटा मिलेगा। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है। अगर हम कोई एक 2-4 केस स्टडी करके वो डेटा हम वो कंपनी के जो डायरेक्टर्स है उनको प्रेजेंट करें, और वो हमको फिर और फर्दर स्टडीज के लिए स्पॉन्सरशिप करें, तो ये भी एक अच्छी आइडिया है और अच्छी पहल हो सकती है। तो ये खाली MD स्टूडेंट के लिए ही रह जाएगा ना, ये प्रैक्टिस वालों के लिए? नहीं नहीं, फिजिशियंस भी इसमें कर सकते हैं ना, कि अगर मैं समझे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के 5 पेशेंट अगर मैं सक्सेसफुली ट्रीट करती हूँ, और देखो कोई कंपनी क्यों स्पॉन्सर करेंगी अगर हम उसके प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे,
ठीक है, या अगर हम कोई नुस्खा, कोई अगर मैं मेरा नुस्खा कर रही हूँ तो वो कंपनी तो चाहेंगी कि वो नुस्खा वो ले ले, है ना, तो फिर इसमें कॉपीराइट का दूसरे इश्यूज आते हैं। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि कोई कंपनी का हम कोई फिजिशियन, एनी फिजिशियन, सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, वो कोई कंपनी का कोई एक नुस्खे पे काम करना शुरू करे और फिर कंपनी उसको स्पॉन्सरशिप देंगी ही ना रिसर्च कंडक्ट करने के लिए, लेकिन प्रोवाइडेड कि हमको उस उनका होना चाहिए उसका। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, तब तो ये तो उनका खुद का जो है प्रोडक्ट का प्रमोशन हो गया। मैं बात कर रहा हूँ कि ऊपर से वो खुद प्रमोशन करे यूनानी का, न कि अपने प्रोडक्ट का। तो अच्छा, उनको क्या जरूरत है ये करने की, उनको क्या जरूरत है भाई, वो उन्होंने करोड़ों की कंपनी लगाए हैं तो वो तो अपने प्रोडक्ट ही बेचेंगे ना। और रह गई बात रिसर्च की, तो रिसर्च के लिए एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च का अभी आयुर्ज्ञान करके उसका स्कीम का नाम बदल दिए है, वो आप वेबसाइट पे जाइए, मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाइए, मैक्सिमम जो रिसर्च अमाउंट देती है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वो 70 लाख का होती है। ओके, लेकिन उसके साथ फिर आपको किसी कॉलेज के साथ या कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ के काम करना पड़ेगा, और वो एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च का मिनिस्ट्री देती है पैसा, तो अगर आपको पहले आपका पूरा प्रोटोकॉल तैयार करना है और वो मिनिस्ट्री के जो डेट्स होती है वो डेट में अगर आपका प्रोजेक्ट उनको अच्छा लगता है, आपकी रिसर्च अच्छी लगती है, यानी आपके आइडिया, तो वो आपको सुनेंगे एंड देन दे विल फंड यू। ऐसा जरूर, ऐसा नहीं कि वो फंड नहीं करती है, मिनिस्ट्री भी फंड्स करती है। मेरे चार वो उसमें 70 लाख रुपए तक मिनिस्ट्री ने हमको स्पॉन्सरशिप दी है फॉर लिवर कैंसर, फॉर यूट्राइन कैंसर, सोरियासिस एंड मिजाज के लिए। तो ये मैंने मुझे खुद मिले हैं 70 लाख रुपए मिनिस्ट्री से 3 times। अस्सलामुअलैकुम मैम, बहुत सारे लोगों को प्रोसेस मालूम नहीं है मैम, हर कुछ कर लेगा वो, बट कैसे उसको पब्लिश करें, कौन कैसे जनरल में, वो सारी चीज मालूम नहीं है। वेबसाइट का नाम बताया ना। हेलो, हाँ, उसके लिए आप मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है वहां पर जाना है। डाल देंगे रजाला ये वेबसाइट का नाम। ये मैं अलाउद्दीन सर से कहूंगी कि अगर वो एक अलग से लेक्चर रखते हैं मेरा, तो उसमें मैं पूरा बता सकती हूँ कि मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाके कौन सा वो डाउनलोड करना है, और उसमें प्रायोरिटी एरियाज भी देती है, मतलब मिनिस्ट्री खुद कौन से डिजीजेस में इंटरेस्टेड है जिसमें आप रिसर्च कर सकते हैं, और वो प्रोटोकॉल होता है। तो मैं पूरा ये भी गाइड भी कर सकती हूँ कि आपको रिसर्च प्रोजेक्ट लिखना कैसे है और वो कैसे मिनिस्ट्री में भेजना है, और फिर उनकी 5-6 कमेटीज में आपको प्रेजेंट करना होता है, और प्रेजेंट करने के बाद देन डेफिनेटली यू विल गेट, अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा है, आपका वर्क अच्छा है, तो मिनिस्ट्री डेफिनेटली आपको प्रमोट करती है। तो जो क्वेश्चन पूछने वाला है वो ये मिनिस्ट्री के लिए, जैसे कोई भी जर्नल में हमको पब्लिश करना है, तो मैं क्या पब्लिक में करना है, मतलब जर्नल में पब्लिश करना है, जैसे आप ऐसा पूछ रहे। नहीं, मैं क्वेश्चन समझी, जैसे मैम कोई मिनिस्ट्री से नहीं, जैसे भी कोई भी आप बोले छोटा भी केस लेके तुम केस स्टडी करो और तुम पब्लिश करो, तुम्हारा मान्यता होगा, तो उस तरह से करने के लिए जैसे आप किए हैं ना मैम बहुत सारे चीजें पे, जैसे ब्रेस्ट कैंसर पे किए हैं, तो आप एक अलग से एक जर्नल में पब्लिश किए हैं उस तरह का मैम। तो उसके लिए देखो, अगर आपको कोई चीज हासिल करनी है तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आपको भी करना होगा, या अगर मैंने समझो ब्रेस्ट कैंसर का केस स्टडी की थी, तो इन्वेस्टिगेशन तो पूरा पेशेंट ही करता है ना, वो इन्वेस्टिगेशन पेशेंट करेगा, सिर्फ हमको परमिशन लेनी होती है कि हम ये आपका पेपर जो है वो पब्लिश करेंगे, और उसमें आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल से कोई भी पेशेंट मना नहीं करेगा, पेशेंट बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, सिर्फ हमको ये हमको एफर्ट करना पड़ेगा। जैसा अभी डॉक्टर साहब ने कहा था कि जो डॉक्टर बहुत बिजी होते हैं उनके पास उतना टाइम नहीं है कि वो पब्लिश करते बैठे, और जिनकी प्रैक्टिस नहीं चलती या जिनको पब्लिश करने आता है उनके पास पेशेंट नहीं होते, ये तो एक बहुत बड़ी हकीकत है। ठीक है, अगर आपका नाम हो गया, आप फेम हो गए, तो आपके पास कोई रिसर्च पेपर मांगेंगे नहीं, आपका नाम ही काफी है, लेकिन वो स्टेज पे पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगेगा। हम यहाँ पे बात कर रहे थे यूनानी के प्रमोशन के लिए, तो अगर हमको यूनानी को प्रमोट करना है तो हमको ये एफर्ट लेना होगा कि भाई मैंने एक केस सिलेक्ट की और वो केस को मैं बहुत सीरियसली फॉलो करूँ, अगर पेशेंट नहीं आता है तो मैं उसको फोन करके बुलाऊ, तो वो हमको करना पड़ेगा, उतना तो एक्स्ट्रा एफर्ट हमको लेना ही पड़ेगा, तभी हम हमारे प्रैक्टिकल के लिए कुछ कर पाएंगे। यस मैम, वही बोल रहे थे, मगर जो फॉर एग्जाम्पल मैम जैसे अपेंडिसाइटिस का कोई केस है मैम, जैसे भी थोड़ा भी केस होता है तो एक्यूट ही क्यों ना है तो सर्जन के पास, वो लोग मॉडर्न वाले सर्जन के पास रेफर कर देता है, अगर उसी को हम अगर मेडिसिन से दे और वो जितना भी डाटा हम कलेक्ट करें, फर्स्ट दिन से लेकर जो लास्ट दिन तक पेशेंट का अगर क्योर हो गया
उस दिन तक डाटा कलेक्ट कर लिए, उसके बाद लास्ट, उसके बाद अदर प्रोसेस क्या है मैम, उसको कैसे पब्लिश करें, वो चीज नहीं आता हम लोग को किसी को। तो एक लेक्चर रखेंगे बेटा इसके लिए कि हाउ टू पब्लिश द पेपर। जी मैम बहुत बहुत, जी हाँ बहुत बहुत शुक्रिया।